Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this video series which is related to HPSC lecture R, today we are going to discuss C and data structures. ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन लेंगे सभी कॉन्सेप्ट का, रिवाइज करेंगे बेसिकली. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवाइज करेंगे सी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और साथ के साथ डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ आपको मिलते रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ सी प्रोग्राम से. एक प्रोग्राम को क्रिएट करने से एग्जीक्यूशन तक क्या क्या फेजेस रहती हैं वो देखते हैं. एडिट सबसे पहला प्रोसेस जब हम क्रिएट कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्री प्रोसेसर प्रोग्राम. ठीक है, प्री प्रोसेस किया जाता है तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करता है, प्रोसेस करता है कोड को, देन कंपाइल होता है प्रोग्राम. ठीक है, कंपाइलेशन में क्या होगा, क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट कोड और उसे स्टोर कर दिया जाता है. देन हमारे पास आता है लिंकिंग. ठीक है, लिंकर इसमें वर्क करेगा. लिंकर क्या करता है, देखिए लिंक करता है जो भी ऑब्जेक्ट कोड है उसको लाइब्रेरीज के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड को लिंक किया जाता है लाइब्रेरीज के साथ और फिर क्रिएट की जाती है एक फाइल लाइक ए डॉट सी है तो ए डॉट आउट फाइल क्रिएट हुई और उसे स्टोर कर दिया गया. देन हमारे पास आता है लोडर. ठीक है, लोडर आता है तो लोडिंग का काम होता है. लोडिंग का लोडिंग फेज हो गया एक हमारी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें. ठीक है, अब देखिए लोडर क्या करेगा, लोडर पुट्स प्रोग्राम इन मेमोरी. अब लोडर क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम है उसे कहाँ पे लेकर जा रहा है, मेमोरी में लेकर जा रहा है. ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि डिस्क से कहाँ पे लेकर जाना पड़ता है, हमें प्राइमरी मेमोरी में लेकर जाना पड़ता है जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, तो लोडर ये काम करता है. उसके बाद देखिए सीपीयू में क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन किया जा रहा है. ठीक है, फाइनल लास्ट फेज जो है वो क्या है, एग्जीक्यूशन. तो अभी सीपीयू क्या करेगा, एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाएगा प्राइमरी मेमोरी से और उसे एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, तो ये डिफरेंट फेजेस रहती है हमारे सी प्रोग्राम में. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, मेन फंक्शन रहता है, नंबर ऑफ फंक्शंस हम ऐड कर सकते हैं अदर देन मेन फंक्शन. लेकिन मेन फंक्शन होना किसी भी सी प्रोग्राम में ज़रूरी है क्योंकि उसकी ही ओपनिंग ब्रेसेस से हमारी एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्टार्ट होती है और क्लोजिंग ब्रेसेस पे क्या होती है, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है. ठीक है, तो हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है और बाकी फंक्शंस हम अपनी अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. तो देखिए जो फंक्शन होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हेडर आता है और फिर बेसिक ब्लॉक होता है. ठीक है, हेडर में देखिए क्या होता है, रिटर्न टाइप होती है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे कैरेक्टर हो फ्लोट हो, देन फंक्शन का नेम होगा और फिर पैरामीटर लिस्ट होगी और देन बेसिक ब्लॉक होता है, हर फंक्शन का अपना बेसिक ब्लॉक होगा. अब देखिए बेसिक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग होंगी, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगी. आप जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं उन्हें डिक्लेयर करेंगे और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स डाल देंगे. अब देखिए सेमीकॉलन हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है और ब्लॉक में आपके जीरो से या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4 कितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक्स जो है वो लीगल है और कॉमनली यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास इसी में देखिए आता है रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट एक जर्नली हम यूज़ करते हैं जब भी आपका अगर रिटर्न टाइप कुछ और है. ठीक है, वॉइड मेन अगर आप लेते हैं किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप. ठीक है, या कोई और फंक्शन है. ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं. ठीक है, तो वॉइड सम है तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉइड है, रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम कुछ. लेकिन अगर हमने लिखा इंट सम तो दैट मीन्स ये एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है. ठीक है, अब जब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हमें अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं तो जीरो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को भी लिख सकते हैं, कोई अदर देन जीरो जो भी वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी आपका रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो कंट्रोल वापस उसी प्रोग्राम पे उसी फंक्शन के पास पहुँच जाता है जहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल किया होता है. ठीक है, रिटर्न्स टू द कॉलर और इनवॉकर, जहाँ से भी हमने किसी एक फंक्शन को कॉल किया होता है अब उस फंक्शन पे हम वर्क कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो ये कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, चाहे मेन हो चाहे कोई और फंक्शन हो. ठीक है, वापस चला जाएगा कंट्रोल. नेक्स्ट देखिए जो कमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोग्राम को इजी बना देते हैं. ठीक है, जो भी कोई रीड कर रहा है उसके लिए इजी हो जाता है कि कई बार हम कमेंट्स डाल देते हैं, हाँ ये चीज़ इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के दौरान. ठीक है, तो इसलिए कमेंट्स बेसिकली रीडेबिलिटी के लिए सही रहते हैं और यहाँ पर हमने क्या देखना है कि किस तरह से कमेंट्स दिए जाते हैं.
ठीक है, तो ये आपका लाइन कमेंट है और ये क्या है, ब्लॉक कमेंट। अगर सिंगल लाइन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये कमेंट यूज़ करेंगे, और एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे कमेंट्स। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। तो एस्केप कैरेक्टर्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स जनरली यूज होते हैं, सी में देखिए स्लैश एन, ये किस लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, और स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए। तो ये पोजीशन आपके स्क्रीन के कर्सर की करेगा, ठीक है, कहाँ पे ले जाएगा उसे, बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, ठीक है, कहाँ ले जाएगा, करंट लाइन के बिगिनिंग में ले जाएगा। स्लैश ए, तो ये क्या, अलर्ट साउंड द सिस्टम बेल, एंड बैक स्लैश, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, दो बार स्लैश है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप बैक स्लैश, अगर जब भी आप बैक स्लैश को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इससे यूज़ करेंगे, ठीक है, टू टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आप डबल कोट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप बैक स्लैश लेके डबल कोट्स को लिखेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा डबल कोट्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो देखिए, रिजर्व्ड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, जावा हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आते हैं इंट, रिटर्न, फ्लोट, कैरेट, कैर, वाइल, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे क्या हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और उन्हें हम एज वेरिएबल या एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आइडेंटिफायर देखिए क्या होता है, लाइक यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेलो माय नेम इज़ आईडी, ठीक है, चाहे कोई एरे है, चाहे कोई वेरिएबल है, चाहे कोई फंक्शन है, हर किसी को हमें क्या देना पड़ता है, एक नाम देना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम उसे फर्दर उसे उसी नाम से यूज़ कर सकें। तो देखिए, जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज टू नेम एंड रेफर टू अ डेटा एलिमेंट और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम, ठीक है, वो वर्ड्स आइडेंटिफायर्स होंगे जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं एज नेम। तो वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स कौन कौन से होंगे, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम इग्नोर कर देते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो देखिए, जो भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स होंगे वो स्टार्ट होंगे लेटर से या अंडरस्कोर सिंबल से, ठीक है, या तो लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं या अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप 1, 2, 3 से नहीं कर सकते, न्यूमेरिक से नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हो सकती हैं आइडेंटिफायर नेम में, लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं सिर्फ। तो सिंबल्स में सिर्फ अंडरस्कोर्स पॉसिबल हैं, और कोई भी सी का रिजर्व्ड वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव है, ये अगर हम लेते हैं अलग अलग कंसीडर होते हैं, ठीक है, कोई ये कैप्स में है, ये सारा स्मॉल में है, यहाँ पे कंप्लीटली कैप्स में है, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, डिफरेंट कंसीडर होंगे। अब देखिए, कौन से इनवैलिड है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमने टू से स्टार्ट किया, ये किसी और सिंबल को यूज़ किया और स्टार्टिंग में वो आ गया, एंड यहाँ पे हमने एंड यूज़ कर लिया, यहाँ हमने स्पेस दे दिया, ठीक है, और रिटर्न ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहे हैं देखिए किसी डिजिट से या इन बिटवीन कोई और सिंबल यूज़ किया जा रहा है जो अलाउड नहीं है, ठीक है, इस वाले केस में हम यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड, ठीक है। तो ये सभी क्या रहेंगे, इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अब देखिए, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, होल नंबर्स और रियल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे पास आता है शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास आता है फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल। अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्या होता है, वैसे तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती हैं चीज़ें, ठीक है, ये सब फिक्स नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो शॉर्ट जो है वो लेता है 2 bytes, इंटीजर लेता है 4 bytes, लॉन्ग लेता है 8 bytes, फ्लोट 4 bytes, डबल 8 bytes एंड लॉन्ग डबल 10 bytes, ठीक है। अब एक जो रेंज आपने याद रखनी है वो इसकी रेंज याद रखनी है, ठीक है, -32768 to 32767, ये रेंज आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कई बार प्रिंट एफ में कोड वाले क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि क्या प्रिंट करेगा, ठीक है, तो ये सर्कुलर उसमें मूव करता रहता है। अगर आपको 32768 दे दिया है, ठीक है, तो वो आपका वापस सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करके आपकी वैल्यू जो होती है वो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से है, ये क्या करता है, जो रेंज है वो इस तरह से मूव करती रहती है, अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो वो प्रिंट होगा, इस तरह से प्रिंट हो जाता है, ठीक है, तो ये रेंज आपने याद रखनी है। डिटरमाइनिंग डेटा टाइप साइज। अब देखिए, डेटा टाइप का साइज आप चेक करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ इंट करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि आपका कंपाइलर इंटीजर वेरिएबल के लिए कितना बाइट्स ले रहा है, डबल के लिए कितना बाइट्स ले रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट एफ फंक्शन। तो देखिए, प्रिंट एफ फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या रहता है, वो फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिस्ट।
ठीक है, तो जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर्स इंक्लूडेड होते हैं, परसेंट डी, परसेंट यू, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एस। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जब भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल टाइप। अब देखिए यहाँ पे एक जो एक चीज़ आती है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं प्रिंट एफ से रिलेटेड, लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, परसेंट फाइव डी। अगर हम सिंपल परसेंट डी लिखते और साथ में लिखते 123 तो क्या प्रिंट होता, 123 प्रिंट हो जाता। अब हमने क्या लिखा, परसेंट फाइव डी। अब फाइव से क्या होगा, ये फाइव टोटल स्पेसेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जितने भी हैं उन्हें प्रिंट कर देगा और बाकी के लिए स्पेस छोड़ देगा। ठीक है, तो फाइव से देखिए क्या आ रहा है, कोई भी अगर हम नंबर देते हैं, अगर हम विड्थ दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू जनरेट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए माइनस, ये साइन लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, लेफ्ट जस्टिफाई कर देगा। अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, प्लस साइन लगा देगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। और अगर हैश होगा तो लीडिंग जीरो लगाएगा ऑक्टल वैल्यू के लिए, और जीरो एक्स लगाएगा हेक्स वैल्यू के लिए। ठीक है, और जीरो लिखते हैं अगर, तो वो जितने भी नंबर है, ठीक है, जितने भी नंबर यहाँ पे, जैसे 1 2 3 था, तो उससे पहले क्या लगा देगा, जीरोस लगा देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस 05D। ठीक है, क्या ले रहे हैं, प्लस 05D। अब प्लस का क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो प्लस लगा दिया। अब देखिए जीरो लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, जीरो अगर होगा तो आगे जितने भी वैकेंट रहेंगे प्लेसेस उनके लिए जीरो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ फाइव की जगह सेवन करते हैं तो देखिए दो और प्लेसेस पे जीरो आ जाएगी। अब क्या है, परसेंट हैश 5O। अब ये क्या करेगा, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। 123 को ओ में क्या है, ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ओ से क्या करेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा। और हमने क्या दिया है, हैश। हैश से क्या करेगा, देखिए हैश से ये जितने भी जो भी ऑक्टल नंबर है उसे उसके आगे क्या लगा देगा, जीरो लगा देगा, जो भी नंबर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। इसी तरह से देखिए ये हैश क्या है, हैश हम एक्स ले रहे हैं, एक्स मीन्स हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा ये। और हमने क्या लिया, साथ में एक्स लिया, ठीक है, 7x। अब टोटल जो प्लेसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। एक्स से हेक्साडेसिमल में ये इसे कन्वर्ट कर देगा, ये 7 भी इसका हेक्साडेसिमल है, और साथ में हैश दिए हमने तो क्या ले लेगा, 0x ले लेगा। ठीक है, इसी तरह से फ्लोट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आगे फर्दर कभी भी रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटर्न फ्रॉम प्रिंट एफ। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और प्रिंट एफ फंक्शन क्या कर रहा है, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए प्रिंट काउंट जो वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम परसेंट डी प्लस परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी को काउंट किया जाएगा, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो स्लैश एन हो, ठीक है, चाहे वो एस्केप कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो स्पेस है, सभी चीज़ें काउंट होंगी। तो देखिए परसेंट डी में क्या है, नम वन, तो ये क्या आएगा, 55। अब यहाँ पे स्पेस है, देन क्या आएगा, प्लस, उसके बाद स्पेस आएगा, देन क्या है, 30, फिर स्पेस है, फिर इज इक्वल्स टू है, फिर स्पेस है, एंड देन क्या आ जाएगा, देखिए 85। अब साथ में क्या है, स्लैश एन, ठीक है, न्यू लाइन में चला जाएगा वो। अब देखिए इसे काउंट करेंगे तो आप क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 13 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटर्न फ्रॉम स्कैन एफ। अगर हम स्कैन एफ से की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं किसी वेरिएबल में तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रिटर्न होगा, जितनी भी वैल्यूज़, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी रीड की जा रही हैं, ठीक है, उन वो वैल्यू वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, हाइट, वेट, इनकी वैल्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा काउंट में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरल लिटरल कॉन्स्टेंट्स। अब देखिए लिटरल्स क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का नाम होता है, और ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब देखिए जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं उसमें हम ना तो यूज़ कर सकते हैं डेसिमल और ना यूज़ कर सकते हैं कॉमा, ये आपके क्या हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की अगर बात करें तो उसमें देखिए आप कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें आप डॉट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू स्पेसिफाइड होंगी हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल में वैल्यू जो है वेरी कर सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जीक्यूटेबल कोड. अब देखिए जो एग्जीक्यूटेबल कोड है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और साथ में फंक्शन कॉल्स. अब जो ऑपरेटर्स जनरली हम यूज़ करते हैं कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज में, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, रिलेशनल ऑपरेटर्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉजिकल नॉट एंड और बिटवाइज एंड और कॉम्प्लीमेंट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर राइट शिफ्ट ऑपरेटर. अब देखिए कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा इंटीजर और फ्लोट्स ठीक है इसमें डिवीजन हो रहा होता है, इंटीजर वेरिएबल है फ्लोट वेरिएबल है इसमें डिवीजन हो रहा होता है. तो देखिए यहाँ पे आपने क्या चेक करना है, अब यहाँ पे हमारा जो आई है ये इंटीजर है ठीक है. अब अगर इंटीजर होगा जिसमें भी वैल्यू स्टोर हो रही है ठीक है वो तब हमारा कभी भी डेसिमल वाली वैल्यू आएगी नहीं. अब इस केस में जो ए है ये फ्लोट वैल्यू है ठीक है. अब इस केस में चाहे जीरो आए पॉइंट के बाद, चाहे वन आए, चाहे टू आए, जो भी आ रहा होगा वो वैल्यू ज़रूर आएगी. बाकी डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर. देखिए 5 / 2 अगर है तो यहाँ पे सिर्फ 2 लेगा, 5.0 / 2 है तब भी 2 आएगा, 5 / 2.0 है तब भी 2 आ रहा है, 5.0 / 2.0 है तब भी 2 आ रहा है ठीक है. और इस केस में हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. अगर तो इंटीजर होगा तो देखिए इस तरह से होगा, अगर फ्लोट होगा 5/2 होगा तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं. इनमें से अगर कोई भी एक फ्लोट होगी, इनमें से अगर कोई भी एक फ्लोट होगी तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लोट आएगी और पूरा रिजल्ट आएगा 2.5. अगर दोनों इंटीजर हैं सिर्फ तभी ये 2.0 आएगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही फ्लोट वेरिएबल्स हैं वैल्यूज हैं तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 आएगा. इसी तरह से देखिए यहाँ 2/5 किया तो 0.0 आया, और अगर हम ये ले रहे हैं तीनों वैल्यूज तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 0.4 रिजल्ट आ रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास डेटा असाइनमेंट रूल्स. तो देखिए जब भी हम कोई भी डेटा असाइन करना चाहते हैं, लाइक हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है ठीक है, अब इंटीजर वेरिएबल लिया है ग्राम्स, अब ग्राम्स में हम क्या डाल रहे हैं, 2.99 ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 असाइन होगा ठीक है, बाकी वैल्यू क्या कर दी जाती है, ट्रंकेट कर दी जाती है. तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू फिट होगी ठीक है, जितनी भी इंटीजर पार्ट ले सकता है वैल्यू, उतनी वैल्यू उसे असाइन कर दी जाती है ठीक है. इसे बोला जाता है इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन. नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप कास्टिंग. तो देखिए टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या चीज़ होती है, दो तरह से होती है टाइप कास्टिंग. तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1/2.0, तो ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, 0.5 रिजल्ट दे रहा है ठीक है. लेकिन अगर हमने इसे भी इंटीजर ले लिया, इसे भी इंटीजर ले लिया और रिजल्ट भी इंटीजर ले लिया, तो 1/2 क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन होगी कि जो वेरिएबल्स यूज़ करें हम डिवीजन में वो भी इंटीजर है और जो रिजल्ट है वो भी क्या है, इंटीजर वेरिएबल है ठीक है. अब देखिए टाइप कास्टिंग में क्या होगा, या तो हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 इसे ले लिया और इसे डबल ले रहे हैं ठीक है. अब यहाँ पे हम देखिए एम को क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं एम का ठीक है. एम को किस तरह का बना रहे हैं, डबल टाइप का बना रहे हैं ठीक है. यहाँ पे देखिए यहाँ इसमें ब्रेसेस नहीं है, इस अगर ये चीज़ होती है तो हम रिजल्ट को डबल टाइप का बना रहे हैं, यहाँ पे हम किसे डबल टाइप का बना रहे हैं, एम को डबल टाइप का बना रहे हैं ठीक है. तो ये आपका क्या है, टाइप कास्ट ऑपरेटर है ठीक है. ये क्या है, टाइप कास्ट ऑपरेटर है. इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसे एक टाइप से दूसरी टाइप में ठीक है. तो इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है. अब देखिए अगर इस तरह से कर रहे हैं हम तो ये क्या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है कि वो अपने आप ही क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा ठीक है. 17/5.5 जब हम करेंगे तो 17 को कंपाइलर क्या कर रहा है, 17.0 कर दे रहा है. तो ये क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है. और इस तरह से जब हम मैनुअली कर रहे हैं, डबल बना रहे हैं इसे 17 को ठीक है, डबल टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है. नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स. इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइक देखिए ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 लिखने के बजाय अगर यही वेरिएबल यहाँ पे भी है तो हम क्या लिख देते हैं, ए प्लस इज इक्वल्स टू 3 ठीक है. इसी तरह से डी माइनस इज इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू डी माइनस 4. ई मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5 क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाई 5. एफ डिवाइडेड बाई इज इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड 3. G modulus is equals to 9 क्या हो जाएगा, G is equals to G modulus 9. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. यहाँ से कई बार कोड वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज भी कुछ पूछा जा सकता है.
तो देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस. अब इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट होता है. ठीक है, दोनों के साथ लगता है ये, इंक्रीमेंट के साथ भी और डिक्रीमेंट के साथ भी, पोस्ट एंड प्री. अब देखिए जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो क्या किया जाता है, जो भी करंट वैल्यू होती है वेरिएबल की उसे यूज़ कर लिया जाता है और फिर उसे इंक्रीमेंट किया जाता है. लेकिन प्लस प्लस एक्स होगा तो इसे पहले क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट एंड देन इसे यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू क्या है, टू, और रिजल्ट. अब रिजल्ट में क्या है, टू मल्टीप्लाई एन प्लस प्लस. अब एन की वैल्यू, रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले एन की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे. दैट मीन्स टू मल्टीप्लाइड बाई टू फोर, और एन रिजल्ट में क्या आ जाएगा, फोर, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू. इसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, थ्री. ठीक है, तो पहले एन की वैल्यू को यूज़ किया जा रहा है रिजल्ट की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट है. ठीक है, पोस्ट है अगर तो एन की वैल्यू को पहले यूज़ किया जाएगा फिर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. लेकिन अगर प्लस प्लस एन होगा तो इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज होगी. ठीक है, इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट होगी फिर रिजल्ट की वैल्यू कैलकुलेट होगी. तो प्लस प्लस एन क्या हो जाएगा, थ्री. तो टू मल्टीप्लाई थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स. तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, सिक्स, और एन में क्या आ जाएगा, थ्री. नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल. तो देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डिफरेंट क्या है, सीक्वेंस. एक सीक्वेंस में ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता चला, सिलेक्शन जिसमें हम इफ देन एल्स यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेशन जहाँ पे हम लूप यूज़ कर रहे हैं. अब देखिए जो प्रेसिडेंस है ऑपरेटर्स की, उसमें हमारे पास ये रहता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन यूनरी माइनस, यूनरी प्लस, नॉट, एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, देन टाइप कास्टिंग आता है, देन मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवीजन, प्लस माइनस, देन लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड देन इक्वल्स टू. ठीक है, ये आपकी प्रेसिडेंस रहती है ऑपरेटर्स की. अब देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने देखी तीन चीज़ें, सीक्वेंस जिसमें सीक्वेंस में ही वर्क चलता रहेगा, और सेलेक्शन, और साथ में रिपीटेशन. ठीक है, सिलेक्शन में हमारे पास इफ, इफ एल्स, इफ देन एल्स, ये सब चीज़ें आती हैं. ठीक है, कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ये सब चीज़ें होती हैं. और साथ में दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है स्विच. ठीक है, इफ़ और इफ एल्स आई होप कि सबको क्लियर होगा, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डिस्कस करने में. ठीक है, तो स्विच से कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, तो यहाँ पे हम स्विच को डिस्कस करेंगे. अब देखो केस ए, केस बी, केस जेड, इस तरह से केसेस होती है हमारे पास. केस ए के लिए क्या एक्शन लिया जाना है वो होता है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें, और साथ में हम क्या लिखते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट. ठीक है, ब्रेक्स के साथ अगर स्विच है तो देखिए अगर केस ए एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस स्विच से बाहर चला जाएगा, और जो एग्जीक्यूट होना है वो हो जाएगा. ठीक है, या डिफॉल्ट एक्शन एग्जीक्यूट होना है तो वो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, केस जो भी पर्टिकुलर केस है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, चाहे केस ए हो, बी हो, जेड हो, या डिफॉल्ट हो, जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा और फिर बाहर आ जाएगा. अब अगर विदाउट ब्रेक हम देते हैं, ठीक है, अगर हम ब्रेक नहीं देते हैं तो देखिए उस केस में क्या होगा, उस केस में केस ए अगर हमारा मैच कर जाता है तो केस ए एग्जीक्यूट होगा, फिर बी एग्जीक्यूट होगा, इन बिटवीन जितने आ रहे हैं वो सब एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे. ठीक है, अगर केस वाई मैच हुआ तो वाई एग्जीक्यूट हो जाएगा, जेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ब्रेक इन बिटवीन नहीं दिया हुआ होगा. ठीक है, तो कोड देके भी पूछ लिया जा सकता है आपसे. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, इसका सिंटेक्स स्विच, स्विच का एक्सप्रेशन रहेगा, कोई भी वेरिएबल रहेगा यहाँ. अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है कांस्टेंट वन, कांस्टेंट टू, कांस्टेंट एन, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. चाहे तो आप वन टू थ्री लें, चाहे कैरेक्टर लें, ए बी सी डी लें, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, हमेशा क्या रहेंगे, वो कॉन्स्टेंट रहेंगे. अब देखिए इज कम्पेयर्ड अगेंस्ट द वैल्यूज कॉन्स्टेंट वन, कॉन्स्टेंट टू, कॉन्स्टेंट एन. ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन है, स्विच एक्सप्रेशन है, उसको कंपेयर किया जाता है इन वैल्यूज़ के साथ. जो भी मैच करती है वो स्टेटमेंट क्या कर दी जाती है, उस वाले ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है. अब देखिए जो हम यहाँ पे ले रहे हैं कांस्टेंट वन, कांस्टेंट टू, कांस्टेंट थ्री, ये क्या होनी चाहिए वैल्यूज़, कैरेक्टर या इंटीजर हो सकती हैं. ठीक है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछा गया, आया हुआ है पहले. ठीक है, कि फ्लोट वैल्यू हो सकती है या कोई और वैल्यूज़ आपको दे दी जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यूज़ पॉसिबल हैं. तो देखिए ये एक एग्जांपल है स्विच स्टेटमेंट का. तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक लेटर ग्रेड वेरिएबल लिया है जिसको हम, जिसकी वैल्यू इनपुट करा रहे हैं. ठीक है, और उसे हम यहाँ पे दे रहे हैं एज स्विच एक्सप्रेशन.
अब या वो ए डालते हैं तो देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा, पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 4.0 प्रिंट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स में वैल्यू जा रही है, ठीक है। इसी तरह से बी में 3.0, सी में 2.0, डी में 1.0, एफ में 0.0 और डिफॉल्ट्स में क्या आ जाएगा 0.0 और प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड लेटर ग्रेड, ठीक है। तो अगर बी प्रिंट किया जाता है तो यहाँ पे देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी हम दोनों दे सकते हैं, कॉलन आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया जा रहा है यहाँ पे देखिए, कॉलन दिया जा रहा है और कॉलन के साथ यहाँ पे आप मल्टीपल दे सकते हैं ऑप्शंस, जिनके लिए एक कोई भी आप वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो बी कैपिटल बी भी दे दिया, स्मॉल बी भी दे दिया, अब उसके लिए हम पॉइंट्स में क्या डलवा रहे हैं वैल्यू 3.0। अब यहाँ पे ब्रेक देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्विच से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीटिशन। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, लूपिंग यूज़ कर रहे हैं, जब हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को क्या करना चाहते हैं, बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसे हम सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम क्या करा रहे हैं, लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है, जो भी आपका कोड होगा वो बॉडी ऑफ द लूप में आ जाएगा जिसे आप रिपीट कराना चाह रहे हैं। तो थ्री लूप्स हमारे सी में हैं, व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल, ठीक है। थ्री लूप्स हैं तो सबसे फ्लेक्सिबल है व्हाइल लूप, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर स्टेटमेंट, जो फॉर लूप है हमारा नेचुरल काउंटिंग लूप की तरह वर्क करता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं हम, वर्क करता है वो, ठीक है। फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर लूप जो है नेचुरल काउंटिंग लूप है। देन हमारे पास आता है डू व्हाइल स्टेटमेंट, जो आपके बॉडी को एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन जो है बाद में चेक की जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लूप्स की बात थोड़ी सी। अब देखिए जो हमारे लूप के कुछ पिटफॉल्स होते हैं, लाइक अगर आपने यहाँ पे व्हाइल के बाद यहाँ सेमीकॉलन लगा दिया, ठीक है, इसी तरह से फॉर में होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं व्हाइल लूपिंग, या जब भी हम लैंग्वेज को लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें कंसीडर करते हुए प्रोग्राम को बनाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए व्हाइल के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाना है, ना ही फॉर के बाद लगाना है, ठीक है। अगर हम ऐसे सेमी कॉलन लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, ये पूरा ही क्या है, व्हाइल लूप है। अब ये क्या किया उसने, यहीं पर टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, यहीं पे क्या कर दिया, व्हाइल लूप को टर्मिनेट कर दिया, और ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी, व्हाइल के अंदर कंसीडर नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट होगा वो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने नम की वैल्यू 10 डाली और ये इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है, अगर नम नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो ये क्या कर रहा है, बार 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 लूप में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है अभी, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज होती डिक्रीज आगे। अब क्या करेगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने अगर आ जाता है क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है कि यहाँ पे अगर सेमी कॉलन है तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, चाहे फॉर लूप के बाद में लगा दें, ठीक है, किसी भी लूप के बाद में ऐसे नहीं लगता है सेमी कॉलन। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमें लूप से या स्विच से एकदम बाहर आना है, ठीक है। किसी भी लूप से अगर हम बाहर आना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने जहाँ पे भी ब्रेक लिखा होगा, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ इसके बाद हैं सपोज, तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, उस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक होती है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो देखिए कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, क्या डिफरेंस है ब्रेक और कॉन्टिन्यू में, जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, इफ़ लिया। अभी इफ़ में हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सपोज इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू जे, ठीक है, कुछ भी दो वेरिएबल्स ले लिए। अब हमने क्या किया, कॉन्टिन्यू। अब देखिए जब भी आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, इसे क्या करना है, कॉन्टिन्यू करना है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें क्या करती है, बाईपास कर देती है, उन्हें क्या है, छोड़ देती है और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चली जाती है, ठीक है। अभी अगर हमने आई इज इक्वल्स टू वन से स्टार्ट किया था अपना लूप, और अभी हम सपोज फाइव पे हैं, ठीक है, अब फाइव वाला चल रहा है, ठीक है, तो फाइव वाले के लिए ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आगे फर्दर जो लूप है वो कंटिन्यू हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू सिक्स के लिए, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर आइट्रेशन पे हम वर्क कर रहे हैं उस आइट्रेशन के लिए कंटिन्यू के बाद की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल क्या होता है, पास कर दिया जाता है नेक्स्ट आइट्रेशन को। अब देखिए एक जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस से बनता है, ठीक है। स्टोरेज क्लासेस हमारी जो है सी में 4 स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास।
ठीक है, ये चार स्टोरेज क्लासेस हैं। पहले तो सबसे पहले आपको इनका नाम याद होना चाहिए, उसके बाद क्या चार चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। देखिए, स्टोरेज ऑटोमेटिक कहाँ स्टोर होता है, ऑटो जो वेरिएबल होता है वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। जो रजिस्टर होता है ये स्टोर होता है सीपीयू रजिस्टर्स में, ठीक है। जो रजिस्टर वेरिएबल होता है ये कहाँ स्टोर होता है, सीपीयू रजिस्टर्स में, और स्टैटिक भी मेमोरी में और एक्सटर्नल भी मेमोरी में, ठीक है। तो बाकी तीनों कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं, सिर्फ सीपीयू रजिस्टर में कौन सा स्टोर होगा, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल जो होता है, ठीक है। अब देखिए, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है, अगर हम नहीं असाइन कर रहे हैं कोई भी वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होगी, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होगी। इसकी भी गार्बेज वैल्यू होगी रजिस्टर की। जो स्टैटिक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, और जो एक्सटर्नल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो हमारे पास फोर क्लासेस हैं, ऑटोमेटिक है, रजिस्टर क्लास है, देन हमारे पास कौन सी है, स्टैटिक है और एक्सटर्नल है। अब देखिए, सबसे पहले हमने स्टोरेज की बात की, तो ये मेमोरी में होगा, ये सीपीयू रजिस्टर्स में होगा, ये मेमोरी में होगा और ये मेमोरी में होगा। देन डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें गार्बेज वैल्यू होगी, इसमें भी गार्बेज वैल्यू होगी, और स्टैटिक और एक्सटर्नल में ज़ीरो ज़ीरो होगी। देन देखिए, स्कोप की अगर बात करते हैं, स्कोप की अगर बात करें हम, तो इसका क्या रहेगा, स्कोप लोकल रहेगा, रजिस्टर वाले का भी लोकल रहेगा। इसका जो स्कोप होता है, देखिए इसका जो स्कोप होता है वो लोकल ही होता है, लेकिन लाइफ इसकी जो होती है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसका स्कोप क्या रहता है, ग्लोबल रहता है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, ठीक है। तो देखिए, इसकी भी क्या रहेगी, लोकल रहेगा, इसका स्कोप लोकल ही रहेगा, ठीक है, लाइफ में डिफरेंस आएगा, और इसका क्या रहेगा, ग्लोबल रहेगा। लाइफ अगर हम बात करें तो विद इन द ब्लॉक रहेगी इसकी लाइफ, ऑटोमेटिक के विद इन ब्लॉक रहेगी, ठीक है। इसके बेस पे कई बार आउटपुट्स में चेंज आ जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो ऑटोमेटिक है इसकी जो लाइफ रहेगी वो क्या रहेगी, विद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक रहेगी। उसके बाद हमारे पास आता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, इसमें भी क्या रहेगा, आपका ब्लॉक में ही रहेगा। स्टैटिक में क्या होता है, उसकी जो लाइफ है वो रहती है, ठीक है, कोई अगर कोई भी वेरिएबल है कहीं पे घूम के आ रहा है तो वो अलाउड है, ठीक है। उसकी लाइफ, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो मेमोरी में वो क्रॉस नहीं हो जाती अगर वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में गया, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो रिटेन करके रखता है वो, ठीक है। और यहाँ पे जो है पूरे प्रोग्राम में उसकी लाइफ रहती है, जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है उसकी लाइफ पूरे प्रोग्राम में रहती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आते हैं एरेज। एरेज में अगर हम बात करें, 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे ये होते हैं, ठीक है। ये 1D एरे का एग्जांपल है, ये आपके पास 2D एरे का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए, एरे क्या है, वेरिएबल डेटा है, सेम नेम होता है, सेम टाइप होता है, कॉन्टिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, और कैन मैन्युपुलेट और यूज इंडिविजुअल वेरिएबल को भी मैन्युपुलेट कर सकता है और पूरी लिस्ट को भी मैन्युपुलेट कर सकता है। अब देखिए, डिक्लेयर कैसे करते हैं एरेज को, डेटा टाइप लिया, वेरिएबल लिया और साइज दे दिया, ठीक है। डेटा टाइप लिया, वेरिएबल लिया और वेरिएबल का नाम और साइज, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम क्या दे सकते हैं, कॉन्स्ट इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, कॉन्स्टेंट बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या बना दे रहे हैं, इसे कॉन्स्टेंट बना दे रहे हैं कि आगे फर्दर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 लिया, 300 लिया, 3284 लिया, आगे फर्दर हम कभी भी उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया। अब डिफाइंड कॉन्स्टेंट एज एरे साइज, ठीक है। अब यहाँ पे इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, अब इसमें क्या है, 50 ही वैल्यू रहेगी। अब एक्सेस कैसे करते हैं हम एरे एलिमेंट्स को, स्कोर 0, स्कोर 1, स्कोर 11, इस तरह से जो भी आपका 12 है, ठीक है। तो 0 से लेकर 11 तक जो है आपका इंडेक्स की वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो जाएगी और 11 तक ये मूव करेगी। अब इनिशियलाइज करने अगर आपने एरे को, तो कैसे करेंगे, इंट स्कोर्स 3, 76, 98, 83, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरे की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। 0, 1, 2 हमारे पास रहेंगी, 2, 3 इंडेक्स रहेंगे, इसमें 3 वैल्यूज़ का एरे है, तो 76 फर्स्ट में आ जाएगा, देन 98 एंड 83, ठीक है। चाहे आप मैन्युअली इस तरह से लिखें और चाहे ऐसे दे दें, वन एंड द सेम थिंग। देन देखिए, ऑटो इनिशियलाइज कर रहे हैं अगर हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स 5 एरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितने एरे एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। अब हमने 76, 98 और 83 दिया है, बाकी वैल्यूज़ जो होती हैं एरे में वो किससे फिल हो जाती हैं, 0 से फिल हो जाती हैं, ठीक है। जो भी आपका अगर फ्लोट होगा एरे, तो 0.0 हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटीजर है तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी, बाकी में जीरो जीरो रह जाएंगी और जो आपने दी हुई है वैल्यूज वो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स में आ जाएंगी। अब इसी तरह से देखिए डिक्लेयर, अब यहाँ पे अगर हमने कोई भी साइज मेंशन नहीं किया है और यहाँ पे हम थ्री वैल्यूज दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, थ्री साइज इसको एलोकेट कर देगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, थ्री साइज एलोकेट कर देगा। ठीक है, अगर हमने एरे का साइज नहीं दिया हुआ है तो जितनी भी वैल्यूज हम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये एरे का साइज एलोकेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी डायमेंशनल, तो वन डी के बाद हमारे पास देखिए वन डी एरे है तो वन डी, वन डायमेंशनल है टू डी, थ्री डी, फोर डी, इस तरह से अगर आपको लेना है तो आप क्या लेंगे, मल्टी डायमेंशनल। तो उसमें देखिए हम क्या लेते हैं, टू, जैसे अभी हमें टू डायमेंशनल चाहिए तो हमने क्या लिया, रोज बता दिया और कॉलम्स बता दिए। ठीक है, फर्स्ट वन स्पेसिफाई करेगा रोज को और ये वाला स्पेसिफाई करेगा कॉलम्स को। अब देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं एरेस पे तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, टोटल बाइट्स रिटर्न करता है जितनी यूज की जा रही हैं एरे के द्वारा। ठीक है, तो देखिए साइज ऑफ रिटर्न करेगा टोटल बाइट्स इन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ उसके उसकी हेल्प से आप टोटल एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइज ऑफ है ये आपको रिटर्न टोटल बाइट्स जो यूज में है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, एक एरे है, अब कुछ ही वैल्यूज हमने इंसर्ट कराई हुई हैं। ठीक है, कुछ ही वैल्यू एलिमेंट्स हैं जिसमें वैल्यूज हैं, बाकी अनयूज्ड हैं। ठीक है, तो ये टोटल बाइट्स जितनी आप यूज कर रहे हो वो आपको बताएगा, ये नहीं बताएगा कि कितनी बाइट्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है, जितनी बाइट्स आप यूज कर रहे हो वो नहीं बताएगा साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो यू कैन नॉट यूज साइज ऑफ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग यूज्ड इन द पार्शियली फिल्ड एरे। ठीक है, उसके लिए हम साइज ऑफ यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स एंड पॉइंटर टू अ फंक्शन। ठीक है, ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका भी। तो देखिए फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स क्या होता है, जैसे अगर हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पे जो फन है ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, और जो रिटर्न कर रहा है एक पॉइंटर को। ठीक, अगर तो यहाँ पे स्टार और फिर फन ब्रैकेट है तो ये क्या है, देखिए रिटर्न टाइप दिस एस्टेरिक साइन देन फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट्स। अब ये क्या है, एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा पॉइंटर को, और पॉइंटर टू अ फंक्शन का क्या रहेगा सिंटेक्स, तो देखिए यहाँ पे स्टार फन होगा, इसको ब्रैकेट में ले लिया गया है और इंट आई। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स और ये क्या है, पॉइंटर टू अ फंक्शन। ठीक है, दोनों का सिंटेक्स देखिए डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, ये क्या है, पॉइंटर टू अ फंक्शन। ठीक है, डिक्लेयर्स फन टू बी अ पॉइंटर टू अ फंक्शन इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में फन को हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू एंड टेक्स वन आर्ग्यूमेंट ऑफ इंटीजर टाइप, जो रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू को और एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो इतना ही पूछा जाता है एमसीक्यू लेवल पे। ठीक है, एमसीक्यूज में कोडिंग नहीं करनी है आपको कि इन दोनों में से क्या है ये। ठीक है, अब देखिए एम% मार्क्स जीरो और मार्क्स अगर हम लिखते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है। अगर बेस एड्रेस हम फेच करना चाहते हैं किसी भी एरे का, ठीक है, ये आपके पास एक एरे है, इसमें हम इस एलिमेंट का जो भी एड्रेस होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं। एरे का क्या होता है, ये बेस एड्रेस होता है। अब देखिए चाहे तो हम लिखें ये क्या एलिमेंट मार्क्स, अगर ये एरे है तो ये क्या है एलिमेंट मार्क्स जीरो, ये क्या है मार्क्स वन, मार्क्स टू। अब इसका अगर एड्रेस चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, एम% मार्क्स जीरो। ठीक है, लेकिन जब हम एरेज में वर्क करते हैं तो जो सिंपल एरे नेम है, ठीक है, जो सिंपली एरे नेम है उसके थ्रू भी हम क्या ले सकते हैं, बेस एड्रेस ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप ये कंसीडर करके चलिए कि जो सिंपली अगर एरे नेम है वो आपको क्या रिटर्न करता है, बेस एड्रेस रिटर्न करता है एरे का। तो देखिए चाहे हम लिखें मार्क्स ऑफ आई, चाहे हम लिखें स्टार मार्क्स प्लस आई, चाहे हम लिखें आई प्लस मार्क्स, चाहे हम लिखें आई ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये चारों ही चीज़ें सिमिलर हैं, सेम है। ठीक है, कंपाइलर जो है इंटरनली सबको कन्वर्ट करता है इस तरह। ठीक है, तो अगर हम मार्क्स ऑफ आई लिखते हैं, ठीक है, अगर हम मार्क्स ऑफ आई लिखते हैं, मार्क्स ऑफ वन लिखते हैं, ठीक है, मार्क्स ऑफ वन लिखा हमने, चाहे हम लिखें मार्क्स प्लस वन और चाहे हम लिखें वन प्लस मार्क्स,
ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट है हमारा एरे का, और चाहे हम लिखें वन और वन एंड देन मार्क्स। तो देखिए ये चारों ही जो नोटेशंस हैं ये क्या हैं, सिमिलर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देखिए स्ट्रिंग्स को देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स क्या हैं? कैरेक्टर एरेज हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूज़ करते हैं लास्ट में, जो क्या है हमारा नल कैरेक्टर है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर बोलते हैं। एंड मार्कर है ये, ठीक है। तो हेलो अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट किया तो हमेशा स्ट्रिंग में क्या होगा, एक नल कैरेक्टर एडिशनल रहेगा। अब देखिए कैसे हम इसे डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर S10, ठीक है। तो ये क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो हम इसमें 9 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, साथ में नल कैरेक्टर एक हमारा इंसर्ट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे लिखते हैं हाय मॉम, तो ये क्या आ गया, हाय मॉम, और साथ में यहीं पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जितना हमारा वैल्यू है एरे में उसके बाद ही क्या आ जाता है, नल कैरेक्टर आ जाता है। अब देखिए हाय देयर अगर किया, हाय स्पेस देन देयर, उसके साथ ही हमारे पास क्या आ गया, नल कैरेक्टर आ गया। हम ओमिट भी कर सकते हैं एरे साइज स्ट्रिंग के केस में भी, देखिए कैरेक्टर एरे है, अब यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया और ये हमने स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली साइज क्या ले लेगा, 1 ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ दिस कोटेड स्ट्रिंग। अब देखिए अगर इसको हम लिखते हैं कैरेक्टर ABC और यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं है। अब अगर हमें एक एक कैरेक्टर देना है तो हमें साथ में नल कैरेक्टर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्ट्रिंग में भी इसी तरह से इंडेक्सेस रहते हैं, हाई 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर हाई लिखा है तो H आ जाएगा 0 में, आ जाएगा 1 में, और नल कैरेक्टर आ जाएगा 2 में। अब देखिए जब भी मैन्यूपुलेट करना है हमने, ठीक है, ये क्या है, DOBE DE, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 5 में, अगर ये वाला है हमारे पास तो 7 है टोटल, और नल कैरेक्टर किस पे है, यहाँ पे है हमारे पास 7th पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब अगर हम 5 में क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं, और 6th पे हम क्या कर देते हैं, नल कैरेक्टर कर देते हैं, ठीक है। अगर इस पे हमने क्या किया, सॉरी एक्सक्लामेशन कर दिया, ठीक है, इस पे ओ कर दिया और इस पे एक्सक्लामेशन कर दिया, ठीक है, अब ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा, ठीक है, इट विल नॉट एक्ट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए नल कैरेक्टर जब तक है तभी तक हम स्ट्रिंग के फंक्शंस और एक स्ट्रिंग इसे कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमने इसे नल कैरेक्टर को ओवरराइट कर दिया तो आपके पास अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, इट विल नॉट एक्ट एज अ स्ट्रिंग। अब देखिए स्ट्रिंग लाइब्रेरी के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है string.h, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जब भी लाइब्रेरीज होती है, हैश क्या डिपिक्ट करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिपिक्ट करता है, इंक्लूड कर रहे हैं हम कौन सी फाइल, string.h, ठीक है, स्ट्रिंग है, .h मीन्स हेडर फाइल। इसी तरह से stdio.h होता है तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब देखिए स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट strlen फंक्शन यूज़ करते हैं, वो हमें क्या बताते थे, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देता है। अब देखिए इज इक्वल्स टू अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, इज इक्वल्स टू मतलब कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, क्योंकि इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स के साथ क्या है, इल्लीगल है। अब डेस्टिनेशन क्या है और सोर्स क्या है, वो दोनों चीज़ें हम स्पेसिफाई करेंगे, अकॉर्डिंगली क्या होगा आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा। अब डबल इक्वल्स टू क्या होता है, कंपेयर करने के लिए होता है इंटीजर्स को, लेकिन स्ट्रिंग्स पे हम ये यूज़ नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, तो हमें क्या यूज़ करना है, strcmp, कंपेयर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, strcmp। तो यहाँ पे रिटर्न करता है 0 अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल हैं, स्ट्रिंग 1 अगर लेस है स्ट्रिंग 2 से तो लेस देन 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, और ग्रेटर देन वैल्यू रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर है स्ट्रिंग 2 से। स्ट्रिंग कनकैटिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं दो जो भी आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, उन्हें इकट्ठा करने के लिए, कनकैटिनेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, strcat फंक्शन। तो डेस्टिनेशन एंड सोर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा।
ठीक है, स्ट्रिंग कंकैटिनेट में अदरवाइज स्पेस इंक्लूड नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट वो स्पेस इंक्लूड नहीं करेगा, अगर आप देना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास गेट कैर। गेट कैर देखिए क्या करता है, एक कैरेक्टर को रीड करता है एक बार में टेक्स्ट स्ट्रीम से, ठीक है, और जहाँ पे भी हम स्टोर कराएंगे उसको वो हो जाएगा। मेनली क्या है मतलब कि एक कैरेक्टर को रीड करेगा, और पुट कैर क्या करेगा, एक कैरेक्टर को राइट करेगा। ठीक है, जब भी हम स्क्रीन से, या तो हम स्क्रीन पे रीड स्क्रीन से कर रहे हैं, ठीक है, रीड और राइट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, या हम क्या करते हैं फाइल से वैल्यूज को फेच कर रहे हैं और फाइल में ही राइट करते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब देखिए गेट्स क्या करेगा, पूरी लाइन को रीड करता है, ठीक है, इनपुट करा रहे हैं अगर हम और पूरी लाइन को कराना चाह रहे हैं तो गेट्स यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से एफ गेट्स यूज़ करेंगे जब भी हम फाइल से रीड करना चाहते हैं, पुट्स यूज़ करेंगे जब हम राइट कराना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट लाइन, और एफ पुट्स यूज़ करेंगे जब हम फाइल में राइट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जर्नली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अब देखिए जो मेन हमारे पास रहते हैं फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में डायनामिक एलोकेशन से रिलेटेड वो कौन कौन से होते हैं, कैलोक, मैलोक एंड फ्री, ठीक है, कैलोक और मैलोक असाइन करने के लिए और फ्री उसे डी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अलग से हीप मेंटेन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हीप के थ्रू हमारा काम चलता है, जब भी एलोकेशन होता है कंपाइल टाइम पे तब हमारा क्या यूज़ हो रहा होता है, स्टैक यूज़ हो रहा होता है। अब देखिए कैलोक और मैलोक ये दो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं एलोकेशन के लिए, तो ये क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह की वैल्यूज़ हम स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उस फिर हम टाइप कास्ट कर लेते हैं जिस तरह की भी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, चाहे इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है, फ्लोट करानी है, कैरेक्टर करानी है, अकॉर्डिंगली हम कर लेते हैं। अब देखिए कैलोक जो है इसके लिए हमें क्या इंक्लूड करना पड़ता है, stdlib.h ये हमें इंक्लूड करना पड़ता है। कैलोक जो है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है, कैलोक जो है वो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, और जो मैलोक फंक्शन होता है ये वन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, एक ये फंक्शन है दोनों में, कई बार पूछ लिया जाता है, जो कैलोक फंक्शन होता है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और मैलोक फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। अब जो कैलोक फंक्शन है वो उसमें जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी मेमोरी आप लेना चाह रहे हैं वो सभी इनिशियलाइज होती हैं जीरो से। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन कैलोक एंड मैलोक, जब भी कैलोक से डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है तो जितनी भी मेमोरी एलोकेट हो रही है उसमें सभी लोकेशंस पे क्या होगा, सभी मेमोरी लोकेशंस पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, और मैलोक में क्या होता है, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। मैलोक में भी आपको stdlib यूज़ करना पड़ता है, बस दो डिफरेंसेस हैं ये आपने ध्यान रखने हैं, इसमें ज़ीरो होता है कैलोक में, ठीक है, कैलोक में ज़ीरो होगा और टू वेरिएबल्स होते हैं, ज़ीरो टू टू कैलोक में, ठीक है। मैलोक में आपका कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है और साथ में वन आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। अब कैलोक और मैलोक का जो रहता है, देखिए इसमें देख कैलोक strlen एक वेरिएबल हो गया और साइज ऑफ कैर अनदर वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब कैरेक्टर टाइप में हमें उसे टाइप कास्ट करना है तो हम क्या करें, कैरेक्टर स्टार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैलोक में देखिए strlen यूज़ करें, सिंगल वेरिएबल यूज़ करें, ठीक है, सिंगल वैल्यू हम दे रहे हैं मैलोक को, और इसमें भी उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसे टाइप कास्ट कर देते हैं, ठीक है। और फ्री करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा कहाँ पे है, stdlib.h में है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितनी भी वैल्यू हमने एलोकेट कराई हुई है उसे डी एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया फ्री और साथ में पॉइंटर नेम। नेक्स्ट एक लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अपना इसमें सी प्रोग्रामिंग में, वो है स्ट्रक्चर्स। अब देखिए स्ट्रक्चर्स कब यूज़ करते हैं हम, अभी एरे में हमने देखा जो डेटा टाइप है, एरे जो डेटा टाइप है हमारा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं, एक नया डेटा टाइप है ये जिसमें हम कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में हम क्या लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को हम कलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सी में जो है तीन मेथड्स हैं डिफाइन करने के स्ट्रक्चर, वेरिएबल स्ट्रक्चर, टैग्ड स्ट्रक्चर एंड टाइप डिफाइंड स्ट्रक्चर। तीनों का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। देखिए अ वेरिएबल स्ट्रक्चर डिफाइंस, डेफिनेशन डिफाइंस अ स्ट्रक्ट वेरिएबल। अब देखिए स्ट्रक्ट लिया, डबल एक्स डबल वाई एंड देन पॉइंट,
ठीक है, एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, अलग अलग दो वेरिएबल्स ले रहे हैं हम, डबल है दो दोनों, चाहे इंटीजर लें डबल लें, कैरेक्टर लें डबल लें, कुछ मर्जी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर टाइप का क्या हो गया, पॉइंट एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैग्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, स्ट्रक्ट एंड देन पॉइंट अंडरस्कोर टी, ठीक है। अब ये क्या किया हमने, टैग्ड स्ट्रक्चर में हमें एक टाइप बना दिया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर टैग ले लिया पॉइंट अंडरस्कोर टी। अब पॉइंट अंडरस्कोर टी जब भी हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट पॉइंट, इस तरह के डिफरेंट क्या बन जाएंगे हमारे पास, वेरिएबल्स बन जाएंगे स्ट्रक्चर टाइप के, ठीक है, स्ट्रक्ट टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे। इस केस में हमने यहाँ पे ये नहीं लिया था, यहाँ पे हमने लिया। अब ये डिफरेंट मेंबर्स हैं, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। अब जब भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, कहीं पे भी ज़रूरत हो सकती है विद इन प्रोग्राम, तो जहाँ पे भी हमें डिक्लेयर करना है इस तरह का, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट पॉइंट अंडरस्कोर टी पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री, और कहीं पे भी आगे ज़रूरत होगी तो अकॉर्डिंगली आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक टाइप डेफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम क्या करें, स्ट्रक्ट बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें हम क्या करें, स्ट्रक्ट पॉइंट अंडरस्कोर टी हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए टाइप डेफ स्ट्रक्ट। अब यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स विदाउट स्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्या यूज़ किया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टी, ठीक है। लॉन्ग तीन वेरिएबल्स लिए हुए हैं विद इन दिस, ठीक है, SSN, एम्प्लॉय टाइप और सैलरी। अब एम्प्लॉय अंडरस्कोर टी जो है वो हमने लेना है जब भी हमने क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है। तो EMP लें या EMP1 लें, 2 लें, एरे लें, कुछ भी लें, तो सिर्फ एम्प्लॉय अंडरस्कोर टी लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना होता है, ठीक है, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, नॉट वेरिएबल्स, वेरिएबल के मेंबर्स को जब भी एक्सेस करना होगा, ठीक है, ये तो क्या हो गया, EMP क्या हो गया, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल हो गया, और ये EMP के क्या हो गए, मेंबर्स हो गए। अब जब भी मेंबर्स को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, ठीक है, क्या करेंगे, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। तो यहाँ पे हमारा जैसे EMP है, EMP.SSN, ठीक है, तो EMP.EMP type, इस तरह से हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स में, और एरो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं जब भी हम पॉइंटर्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट स्ट्रक्चर वेरिएबल का पॉइंटर एंड एरो और फिर मेंबर नेम, ठीक है। अब एक पॉइंटर अगर हमने डिक्लेयर कर लिया, सपोज़ यहाँ पे EMP PTR, ठीक है, एक EMP PTR क्या है, पॉइंटर है, ठीक है, तो उसे हम यूज़ करें EMP PTR SSN, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एरो ऑपरेटर लेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट वेरिएबल नेम के साथ यूज़ करें तो डॉट ऑपरेटर, और पॉइंटर वेरिएबल के साथ यूज़ करें तो एरो ऑपरेटर। नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब इसी को ही हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नेस्ट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल है। इनिशियलाइज कराना चाहते हैं आप, तो इनिशियलाइज इस तरह से हो जाती हैं वैल्यूज, ठीक है। डेट अंडरस्कोर टी, ये कौन सा है, टाइप डिफाइंड स्ट्रक्चर, देन ड्यू डेट लिखा, और फिर मंथ डे एंड ईयर, इस तरह से हमने स्पेसिफाई कर दिया। एरेज को भी यूज कर सकते हैं हम विद इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, तो ये है हमारा आज वर्कड, तो यहाँ पे विद इन स्ट्रक्चर जो है, मेंबर भी आपका एरे हो सकता है, और हम जब भी एरे के स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं तब भी हम एरेज ले सकते हैं, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे सी के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन हो गया हमारा सी का। अब हम डिस्कस करेंगे MCQs जो इंपॉर्टेंट बनते हैं सी लैंग्वेज में, और साथ में कुछ PYQs हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। तो ऑर्गेनाइज किस तरह से हमारा डेटा हो रहा है कंप्यूटर मेमोरी में, वो कौन डिसाइड करे, वो बताता है डेटा स्ट्रक्चर, कि हम एरे की फॉर्म में करें, लिंक लिस्ट की फॉर्म में करें, स्टैक की फॉर्म में करें, क्यू की फॉर्म में करें, कौन सा डेटा किस तरह से होता है, ठीक है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। तो जब भी कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं हम, एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो जो भी डेटा हम स्टोर करा रहे हैं, तो वो डेटा किसकी हेल्प से स्टोर हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, कि किस तरह से स्टोर हो रहा है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है ये डेटा की। तो चाहे तो प्राइमरी मेमोरी हो, चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, दोनों ही मेमोरी में हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इन सच अ वे सो दैट वी कैन एक्सेस द डेटा
एफिशिएंटली, ठीक है? तो जैसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, क्यों नहीं हम सिंपली एरे की फॉर्म में यूज़ कर लेते कंप्यूटर मेमोरी को सिर्फ, ठीक है? क्योंकि हम उसे, जो हमारा डेटा है उसे एफिशिएंटली यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। अभी देखिए उसमें क्या क्या दो तरह के आते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एग्जिस्ट करता है लीनियर ऑर्डर अमंग द डेटा आइटम्स, ठीक है? जो डिफरेंट डेटा आइटम्स में उनके बीच में आपस में क्या ऑर्डर है, लीनियर ऑर्डर है, ठीक है? कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से कैसे ना कैसे वो क्या है, स्टोर्ड है। लीनियर अगर ऑर्डर है तो क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स क्या है, एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स नो लीनियर ऑर्डर अमंग द डेटा ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? जो यहाँ पे है उसमें कोई भी लीनियर ऑर्डर नहीं होगा। एक डेटा हमारा यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, इस तरह से हमारा डेटा क्या होता है, अरेंज होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है, ग्राफ्स, ट्रीज, ठीक है? ये क्या आ जाएंगे आपके, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। एरेज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स, ठीक है? तो होमोजीनियस मीन्स सिमिलर डेटा टाइप, डेटा आइटम्स, ठीक है? तो अगर एक एरे हमारा इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर वैल्यूज स्टोर होंगी इसमें सारी, फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट हो जाएंगी, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर हो जाएंगी। जो भी डेटा टाइप आप देंगे उस तरह के डेटा टाइप की इसमें क्या होंगी, सभी वैल्यूज होंगी। सो एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम। तो हमें इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट, जो भी आप नेम लेना चाहते हैं एरे को, एंड देन जितने उसमें वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है? मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट दे देते हैं, दिस इज साइज, ठीक है? उससे कम भी करा सकते हैं आप, तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं ए नॉट से लेकर माइनस वन तक, जितना भी एन दे रहे हैं एन माइनस वन तक आ जाएंगी, ठीक है? तो ये आपका ए वन, कोई भी इंडेक्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा, आई माइनस वन, आई प्लस वन क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती इंसर्ट करने में और डिलीट करने में, ठीक है? इंसर्शन और डिलीशन में एरेज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे मर्जी हम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और हर एलिमेंट का प्रीडिसेसर होता है, सक्सेसर होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का, ठीक है? सो ये आपका क्या है, सिंपली अगर हम देखें तो एरेज। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टैक। तो देखिए स्टैक भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं, जनरली पुश और डिलीशन पॉप, बोथ कैन बी डन फ्रॉम वन एंड, एंड दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है? हम स्टैक के टॉप से ही क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और वहीं से ही हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और दूसरे एंड से नहीं कर सकते यहाँ से, जैसे हम क्यू में कर पाएंगे, लेकिन स्टैक में हम क्या कर पाते हैं, सिर्फ एक ही एंड से क्या करेंगे हम, इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ, ठीक है? तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, लीफो, दैट इज लास्ट इन, जो भी लास्ट हमने एंटर किया होगा स्टैक में वो पहले आउट होगा, ठीक है? लास्ट इन लास्ट, फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है? जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में जाएगा, ठीक है? सो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट टाइप स्ट्रक्चर। और टॉप क्या होता है, इसका पॉइंटर होगा या वेरिएबल होगा, ठीक है? जो हमारा टॉप मोस्ट को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, ठीक है? ये जो टॉप मोस्ट वेरिएबल है इसके लिए हम टॉप यूज़ करते हैं यहाँ पे। और अगर एम्प्टी होगा स्टैक तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, ठीक है? तो अगर एरे भी रिस्ट्रिक्ट कर दे इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से, तो एरे किसकी तरह रिएक्ट करेगा, स्टैक की तरह हो जाएगा, ठीक है? अगर एरे रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक ही एंड से आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो यहाँ से ही, ठीक है? तो वो एक किसकी तरह वर्क करेगा, स्टैक की तरह। तो एम्प्टी स्टैक में आपके पास क्या हो जाएगा, टॉप माइनस वन होगा, जब हमने एंटर कर दिया कोई भी वेरिएबल तो टॉप में प्लस होगा, और पॉप करेंगे तो टॉप में क्या होता रहेगा, माइनस होता रहेगा, ठीक है? टॉप में क्या हो जाएगा, वन इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो टॉप देखिए क्या हो गया, माइनस वन से जीरो हो गया। और अगर हमने पॉप कर दिया, यहीं से ए को पॉप कर दें, डिलीट कर दें, तो वापस क्या हो जाएगा, टॉप माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह से पुश कर रहे हैं तो टॉप में दोबारा एक ऐड हो गया और दोबारा से एक ऐड हो गया। तो क्यू भी हमारा क्या है, देखिए एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड से होगा, ठीक है? तो इंसर्शन जो होगा, तो देखिए अगर हमारी क्यू है, ठीक है, ये अगर क्यू है तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिए, ठीक है? तो एंटर करते चले जा रहे हैं, एंटर होते चले जा रहे हैं।
अब जब भी हम एंटर कर रहे हैं तो देखिए एंटर हो गए आपके यहाँ पे, इंसर्ट कर रहे हैं जब तो रियर एंड पे होंगे, और जब हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो कहाँ से होंगे, वो हमारे डिलीट होंगे इस एंड से, ठीक है, फ्रंट एंड से, ठीक है। यहाँ से हमने एंटर करने शुरू कर दिए, ठीक है, और जब कोई भी नहीं है एलिमेंट तो फ्रंट और रियर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब एलिमेंट फर्स्ट यहाँ एंटर कर दिया, सेकंड यहाँ एंटर कर दिया, थर्ड यहाँ एंटर कर दिया, तो देखिए फ्रंट की वैल्यू यही रहेगी, फ्रंट की वैल्यू यही रहेगी, और रियर की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, अपडेट होती चली जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे ऐड होता रहेगा रियर की वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, और जब भी डिलीट करेंगे तो ये फ्रंट से करेंगे, और जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पर हो रहे हैं, रियर पर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको ही पहले सर्विस दी जाएगी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप डेटा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और अगर हम देखें रियल लाइफ में तो मोर जस्टिफाइड एंड रीजनेबल जो है डेटा स्ट्रक्चर, वही हमारा ये वाला ही है, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड हो गया आपका, ये रियर एंड हो गया, जिसे टेल भी बोल देते हैं, और फ्रंट एंड को हम हेड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर आता है वो आता है लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ नोड्स नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर, ठीक है। तो जो भी नोड्स हैं हमारे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस मैनर में है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, PTR, दैट इज़ पॉइंटर, जिसे हम बोल रहे हैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा डेटा होगा, और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंटर होता है नेक्स्ट नोड का। तो अब ये ज़रूरी नहीं है अगर सिक्वेंस में ये इस तरह से, ये नेक्स्ट सिक्वेंस है, ये नेक्स्ट है इस तरह से, तो ये पॉइंटर हो सकता है इस वाले का हो, ठीक है। तो इसका एड्रेस भी हो सकता है किसी और का, नेक्स्ट इस वाले में किसी और का एड्रेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कि जो पूरी लिस्ट होगी वो कनेक्टेड होगी इस तरह से कि उसमें पॉइंटर्स हमारे होंगे साथ साथ, ठीक है। तो उसी पॉइंटर की सीक्वेंस में, जिसको फर्स्ट वाले नोड ने अगर इस पॉइंट आउट किया, उसके बाद सेकेंडली वो वाला एक्सेस किया जाएगा नोड जिसे ये पॉइंट आउट कर रहा है, जो फर्स्ट नोड है। लास्ट वाले नोड में हमारे पास क्या आ जाता है, नल आ जाता है, ठीक है, जब लास्ट जो भी नोड होगा, क्योंकि वो आगे किसी और को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है एक नोड में। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और लास्ट वाले नोड में हमेशा क्या होता है, नल होता है, कि आगे हमारा कोई भी नोड नहीं है। नेक्स्ट देखिए जो डेटा स्ट्रक्चर आता है वो आता है ट्री। ट्री हमारे क्या होते हैं, कनेक्टेड बट एसाइक्लिक ग्राफ्स, ठीक है। क्या रहेंगे ये, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड हैं ये सभी आपस में, एक ये हट जाए तो डिसकनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, दो अलग अलग से कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन ये क्या है, कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। एसाइक्लिक मींस साइकिल नहीं बन रही है कोई भी, ठीक है, जब भी ग्राफ में कोई साइकिल नहीं बन रही होती है तो वो क्या होता है, ट्री होता है, ठीक है। तो हर जो भी ट्री है, हर ट्री क्या होगा, ग्राफ होगा, लेकिन हर ग्राफ ट्री नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ में क्या होती है, अगर साइकिल होगी तो वो ट्री नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये ट्री नहीं है, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है, नॉट ट्री, बिकॉज डिसकनेक्टेड। अगर ये बोला जाता है एक ग्राफ है ये, ग्राफ जी, ठीक है, अलग अलग से ये कॉम्पोनेंट्स ट्री हैं, लेकिन अगर ये एक ग्राफ बोला जाता है और आपको बोला जाता है कि ये ट्री है या नहीं, देन इट इज़ नॉट अ ट्री, ठीक है। अलग अलग कॉम्पोनेंट्स पूछे जाते हैं तो ट्री है, लेकिन कम्प्लीट नहीं है। और इस तरह से ये आपका एक ट्री है, जब भी एक रूट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूटेड ट्री बोलते हैं। तो देखिए अ ट्री विथ एन वर्टिसेस हैज एग्जैक्टली एन माइनस वन एजेस, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए जब भी एन वर्टिसेस होंगे, ठीक है, जब भी एन वर्टिसेस होंगे तो कितने एजेस होंगे, कितने एजेस होंगे, देखिए अगर हमारे एन वर्टिसेस हैं, ये फर्स्ट वर्टेक्स है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, तो देखिए कितने एजेस हैं, टू एजेस हैं। थ्री वर्टिसेस पे कितने एजेस हैं, टू एजेस हैं। और इसी तरह से हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो देखिए फोर वर्टिसेस हैं, वन टू थ्री फोर, एजेस कितनी हैं, थ्री हैं, ठीक है, कितनी एजेस, थ्री हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, एक और लेवल ले लेते हैं, तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितनी वर्टिसेस हैं, सेवन, और एजेस देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो हमेशा जो भी ट्री आपका होगा, जितनी भी वर्टिसेस हैं, तो अगर इसमें हमने एक एज और इंक्रीज कर दी कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पे भी एज इंक्रीज कर दी विदाउट इंक्रीजिंग वर्टेक्स, तो आपका वो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा और ट्री नहीं रहेगा वो, ठीक है। ग्राफ तो पहले भी था लेकिन इस केस में अब वो ट्री नहीं रहेगा। लेट अस कंसीडर अ फॉरेस्ट विद एन वर्टिसेस एंड के कॉम्पोनेंट्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस इन द फॉरेस्ट।
अगर आपके फॉरेस्ट में n वर्टिसेस हैं और k कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, सपोज एक ये कंपोनेंट है, एक इस तरह से कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज का कलेक्शन होता है, तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी आपके फॉरेस्ट में। तो देखिए यहाँ पे कितनी होंगी एजेस, एन माइनस के एजेस होंगी, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी हो जाएंगी अगर हमारे n वर्टिसेस हैं और k कंपोनेंट्स हैं, तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, ये हर एक में क्या हो जाएंगी, वर्टिसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल वर्टिसेस हमें गिवन है n है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk करके कितनी वर्टिसेस हो जाएंगी, टोटल वर्टिसेस n हो जाएंगी। अब देखिए एजेस कितनी होंगी, n1 माइनस k, n2 माइनस k, nk माइनस 1, सॉरी n1 माइनस 1, n2 माइनस 1, n3 माइनस 1, इसी तरह से nk माइनस 1, ये कितनी क्या हो जाएंगी, टोटल एजेस हो जाएंगी इन सभी ट्रीज में। अब देखिए इन्हें हमने क्या किया, अलग से ऐड कर लिया, तो ये क्या आ गया, एन आ गया, और ये के टाइम्स है, के टाइम्स क्या कर दिया, माइनस के कर दिया। तो अगर हमारे फॉरेस्ट है जिसमें एन वर्टिसेस हैं और के कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस अगर आपसे पूछी जाती हैं तो वो कितनी हो जाएंगी, एन माइनस के हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिया जाता है, लेटस, और देखिए यहाँ पे ये तो हमने जर्नलाइज देखा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉरेस्ट है जिसमें फाइव वर्टिसेस हैं टोटल और टू कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ एजेस बताइए, तो आप क्या करेंगे, थ्री बताएंगे, ठीक है, फाइव माइनस टू बता देंगे, ठीक है, फाइव माइनस टू कर देंगे तो थ्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जर्नल कॉन्सेप्ट हो गया, अगर स्पेसिफिक आपको दे दिया जाता है, इन दैट केस आपको याद रखना कि क्या चीज़ हमें अप्लाई करनी है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा रिजल्ट आ जाए। तो नेक्स्ट देखिए, लेट अस कंसीडर अ ग्राफ विद एन वर्टिसेस, एम एजेस, के कंपोनेंट्स, देन वॉट इज़ द नंबर ऑफ एजेस वी नीड टू रिमूव टू मेक द ग्राफ एज फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एन वर्टिसेस दी हुई हैं, एम एजेस दी हुई हैं, के कॉम्पोनेंट्स दिए हुए हैं, और ये पूछा गया है कि हम कितनी एजेस को रिमूव करें। देखिए यहाँ से हम अगर पूछा जाए कि कितनी एजेस को रिमूव करें तो हमारा क्या बन जाए, फॉरेस्ट बन जाए, ठीक है। तो हमें रिमूव करना पड़ेगा डिफरेंट एजेस को, ताकि ये एक तो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स बन जाए, मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स बन जाए, और फिर उसमें आगे क्या हों, ट्रीज हों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए आंसर क्या रहेगा, m माइनस n प्लस k रहेगा, ठीक है। n माइनस k क्या है, एजेस हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। देन नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, सपोज m है आपकी, तो रिमूव क्या करेंगे हम, m माइनस n माइनस k, जो m माइनस n प्लस k एजेस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा कि इतनी एजेस को रिमूव करके हमारा जो ग्राफ है वो क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ ग्राफ हैज एन वर्टिसेस एंड के कंपोनेंट्स, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ इज। तो देखिए ग्राफ अगर ये है तो इसमें देखिए एजेस हमारी हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, मिनिमम अगर देखें हम सबको कनेक्टेड रखना है तो ये भी हो सकता है, ठीक है, फोर वर्टिसेस के साथ ये थ्री भी हो सकती हैं एजेस, फोर भी हो सकती हैं, फाइव भी हो सकती हैं, सिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अलग अलग एजेस, नंबर ऑफ एजेस हमारी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर n वर्टिसेस हैं, k कंपोनेंट्स हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम जो हैं एजेस वो कितनी होंगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा n माइनस k मिनिमम के लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट बन रहा है, फॉरेस्ट मतलब ट्रीज हैं, ट्रीज में हमारी मिनिमम ही नंबर ऑफ एजेस होती हैं। अगर हमारी मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को में से भी हम किसी को रिमूव कर देते हैं तो देखिए वो ग्राफ क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो n माइनस k रहेगा मिनिमम, और मैक्सिमम रहेगा n माइनस k इंटू एन माइनस k प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। मैक्सिमम क्या रहेगा, n माइनस k इंटू एन माइनस k प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। देन वी हैव ग्राफ हैज़ n वर्टिसेस इज कनेक्टेड, ग्राफ जो है n वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होगा इफ इट हैज़ मोर देन दिस एजेस, अगर उसमें कितने से ज़्यादा एजेस हों, ठीक है, तो तब वो क्या हो रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। अगर उससे कम कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि अगर हम देखते हैं, चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए अगर ग्राफ है हमारे पास थ्री वर्टिसेस हैं, ठीक है, तो थ्री वर्टिसेस हैं इसमें अप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं टू इंटू वन अपॉन टू, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा मोर देन वन अगर एज होगी तो कनेक्टेड है, इट मींस टू एजेस होंगी तो भी कनेक्टेड है ये, थ्री एजेस होंगी तो भी कनेक्टेड है,
लेकिन वन पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम n माइनस टू एन माइनस थ्री करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। थ्री पे अगर आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो फिर ये तो गलत हो गया, इधर से भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, नॉट नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अप्लाई करके देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन टू, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाता है कि ग्राफ है 10 वर्टिसेस हैं, तो कितने पे, कितने से ज़्यादा एजेस हों तो वो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि 10 है अगर तो क्या करेंगे, 9 इंटू 8 अपॉन 2 दैट इज़ 4, दैट मीन्स 36, ठीक है। अगर 36 से ज़्यादा एजेस होंगी तब वो क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। 9 इंटू 8 अपॉन 2, 4, 9, 4, 36, यस। तो 36 अगर होंगी एजेस तो वो क्या है, कनेक्टेड है। देर इज नो लीनियर ऑर्डर बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ग्राफ। अब देखिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिसेस होती हैं कुछ, और क्या होती हैं, कुछ एजेस होती हैं। तो वर्टिसेस और एजेस की हम पहले से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्टिसेस हैं और ये क्या है, एजेस हैं, ठीक है। दिस इज़ अ ग्राफ बट नॉट ट्री, ये ग्राफ है लेकिन ट्री नहीं है। तो सभी ट्रीज क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं, लेकिन सभी ग्राफ्स ट्रीज नहीं होते हैं। सो देखिए स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही चीज़ें एक ही एंड से होती हैं, ठीक है, अलग अलग एंड से नहीं होती हैं, एक ही एंड से होंगी, ठीक है। जिधर से हम इंसर्ट करें, सपोज़ यहाँ पर हम इंसर्शन करें, यहीं से हम क्या करेंगे, डिलीशन करेंगे। और ये किस पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर। और देखिए इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो स्टैक को हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे एरेस और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे लिंक्ड लिस्ट। तो देखिए अगर स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो हमें क्या चाहिए, ये वेरिएबल्स चाहिए टॉप साइज, और साथ में हमें क्या चाहिए, एक एरे चाहिए, ठीक है, कि कोई भी नाम हो सकता है एरे का। तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इस तरह से वर्क करेगा। और डायनामिक करेंगे तो देखिए डायनामिक में हमें क्या चाहिएगा, लिंक्ड लिस्ट चाहिए होगी। तो लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास क्या रहता है, ये हम एक नोड ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या रहेगा, यहाँ पर जहाँ पर डेटा स्टोर करें, और साथ के साथ एक पॉइंटर वेरिएबल भी रहेगा, ठीक है, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, आगे के एड्रेस दे रहे हैं नेक्स्ट नोड का। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स लेने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए डिफरेंट जो ऑपरेशंस रहते हैं स्टैक के ऊपर वो कौन कौन से होते हैं, क्रिएट करना एम्प्टी स्टैक को, देन एक ऑपरेशन हम लगाते हैं इज एम्प्टी, जो चेक करता है क्या हमारी जो स्टैक है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, ठीक है। अगर एम्प्टी होगा, जब भी हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, डिलीट करना चाहते हैं, व्हेनेवर वी वांट टू डिलीट फ्रॉम स्टैक, जब भी स्टैक से डिलीट करना चाहते हैं, तो उससे पहले चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हम मैसेज दे देंगे कि ऑलरेडी एम्प्टी है। और इसी तरह से जब भी हम पुश करना चाहेंगे तो स्टैक की जो भी लिमिट है हम उससे पहले चेक करेंगे कि क्या वो स्टैक फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल होगा दैट मीन्स हम मैसेज एक डिस्प्ले करा देंगे ओवरफ्लो, और फिर पुश नहीं कर पाएंगे उसमें और फर्दर ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे ऑपरेशंस रहते हैं स्टैक के ऊपर। देन मेन जो आती है हमारी वो आती है एप्लीकेशंस। तो देखिए स्टैक की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जर्नली पूछ लिए जाते हैं। इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना और प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, ठीक है, यहाँ से तो आता ही है, साथ में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। डिफरेंट आपको क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दे दिए और पूछ लिया कौन सी इसमें से एप्लीकेशन है स्टैक की, या उसमें से आपसे पूछ लिया दो तीन सही दे दी, पूछ लेंगे ए बी डी है, ए सी डी है, कौन कौन सी है, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं स्टैक की। तो देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। देन चेकिंग पैलिंड्रोम, कोई भी नंबर है, कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, उसे अगर चेक करना है क्या वो पैलिंड्रोम है, तो उसके लिए भी हम चेक कर यूज़ कर सकते हैं स्टैक्स को। देन चेकिंग बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, ठीक है, कि हमारी जो पैरेंथेसिस है, अगर एक प्रोग्राम में हमने नंबर ऑफ़ पैरेंथेसिस यूज़ की हुई है, प्रोग्राम में चाहे एक्सप्रेशन है, ठीक है, वहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि उस एक्सप्रेशन में जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है जितनी हम ओपन कर रहे हैं उतनी क्लोज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, तो अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है वो चीज़ चेक करने के लिए भी हम स्टैक को यूज़ करते हैं। हमने कन्वर्ट करना है इनफिक्स से प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स, इसमें कन्वर्जन के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्टैक को, एंड देन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स इवैल्यूएशन इसके लिए यूज़ करेंगे स्टैक्स, एंड देन रिकर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैक्स को। तो देखिए स्टैक को हम कैसे यूज़ करते हैं रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग्स को, अदरवाइज़ क्या है, जैसे देखिए मिडल में हम चेक कर लेते हैं, मिडल से जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, इधर के उधर कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये आबरा का डाबरा, तो हमने क्या किया, इधर से इधर ले गए, इधर से इधर ले गए, ठीक है, इस तरह से हमने स्विच कर लिए, दोनों तरफ आप देख सकते हैं एरोज़ हैं, ठीक है, तो दोनों को तरफ के क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। और अगर स्टैक्स होगा तो स्टैक्स से हम क्या करेंगे, सपोज स्टैक ही एक वर्ड है, तो देखिए एंटर करते हुए हमने STACK एंटर कर दिया, और जब वापस हम कराएंगे, ठीक है, जब भी वापस हम ले रहे हैं फेच कर रहे हैं, तो कहाँ से फेच होगा, टॉप से फेच होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KCETS, ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया हमारा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें पूरा एक सेंटेंस लेना है, वर्ड लेना है, तो हम उस तरह से क्या करा सकते हैं, रिवर्स करा सकते हैं स्टैक की हेल्प से इजीली। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं देखिए पैलेंड्रोम चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैलेंड्रोम चेक करने के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टैक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मिड से लेफ्ट और राइट में यूज़ कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप रिवर्स करा लें स्टैक की हेल्प से, तब भी चेक कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है, जो वर्ड है और जो स्ट्रिंग रिवर्स करके आ रहा है वो सेम आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स वो पैलेंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमने क्या किया, दो लेटर्स ले लिए और उन्हें चेक कर रहे हैं, अगर तो वो सेम आ जाएंगे, शुरुआत वालों से चेक कर लो, ज़रूरी नहीं है पूरा ही रिवर्स करके देखना, ठीक है, तो इस तरह से चेक करते चले जाएंगे, और अगर वो सेम आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट इस हम क्या चेक कर हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं स्टैक्स को, बैलेंस्ड पैरेंथाइजेशन चेक करने के लिए। तो देखिए इसे हम कैसे यूज़ करें, यहाँ पे देखिए कि ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, देन एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है, अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं। विदाउट स्टैक अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, काउंटर को इनिशियली ज़ीरो ले लिया, देन जब भी ओपन ब्रैकेट आएगी तो हम काउंटर में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे काउंटर में ऐड होता रहा, अभी इस वाले ब्रैकेट पे जब आएंगे तो काउंटर में डिक्रीमेंट हो जाएगा, एंड देन इसी तरह से जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी लास्टली, अगर लास्ट में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमारी पैरेंथेसिस क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है, और ज़ीरो आ जाती है तभी क्या होगा, बैलेंस्ड होगी, ठीक है। और अगर स्टैक की हेल्प से कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, जब भी ओपन ब्रैकेट आ रही है तो पुश कर देंगे, एंड देन जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है तो क्या कर देंगे, उसमें से पॉप करते चले जाएंगे, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी पैरेंथेसिस हैं वो बैलेंस्ड हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर स्टैक ले रहे हैं हम, पुश पॉप कर लिया, आफ्टर फिनिश प्रोसेस इफ स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, केस वन तो क्या होगा कि अगर फिनिश प्रोसेस के बाद स्टैक एम्प्टी है, दैट मींस वो क्या है, बैलेंस्ड है, अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन बिटवीन इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो देखिए इनफिक्स है हमारे पास प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, इनफिक्स क्या होता है, जहाँ पे आपका ऑपरेटर जो है दो ऑपरेंड्स के बीच में है, प्रीफिक्स मतलब आपका ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के आगे है, और पोस्टफिक्स मतलब जो आपका ऑपरेंड है वो दो ऑपरेटर्स के, जो आपका ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स के बाद में है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बींग इनफिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो आपका प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो यूज़ करता है वो कौन सा होता है, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन यूज़ करता है, इसी वजह से हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन करते हैं, जो करते हैं हम स्टैक्स के थ्रू सिस्टम के लिए, ठीक है। तो देखिए इनफिक्स के केस में क्या होता है, हमारा जो भी ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जब भी प्रायोरिटी सेम होगी तो एसोसिएटिव रूल यूज़ करते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट एसोसिएटिव है, अगर राइट एसोसिएटिव है तो राइट एसोसिएटिव के हिसाब से चलेंगे, और प्रायोरिटी देखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे इसकी जो पावर वाला है सिंबल, उसकी सबसे ज़्यादा होती है प्रायोरिटी, तो वन नंबर पे ये आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम होती है। अब ये लेफ्ट एसोसिएटिव है तो देखिए इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। अब प्लस और माइनस की जो हमारी होती है सेम होती है प्रायोरिटी प्रेफरेंस, ठीक है। तो अब 5 यहाँ से दिया और लेफ्ट टू राइट ही मूव करेंगे और इसे 6 दे दिया, ठीक है। और फिर हम इज इक्वल्स टू करके x की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे। तो देखिए g और k, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, g k और ये वाला हमने सिंबल यूज़ कर लिया। देन हमारे पास क्या आया, सब उसके बाद हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्टार ऑपरेटर लगा दिया। अब सेकंड उसके बाद क्या है, स्लैश डी। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ क्या करना है, अपने स्लैश डी ले लेना है। देन हमारे पास क्या आया, अब फोर्थ नंबर पे देखिए डी के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको क्या कर रहे हैं, स्टार एफ कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इसका रिजल्ट आया उसको क्या कर रहे हैं, स्टार एफ कर रहे हैं। एंड देन जो भी रिजल्ट आया फाइव नंबर पे देखिए प्लस ए इसमें प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ए को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ए यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं हम किसको, अब सिक्स नंबर पे क्या है माइनस वाला, उससे पहले जी और के को लिख लेंगे और फिर माइनस यहाँ पे बीच में आ जाएगा और राइट ट्री भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो तो हम ट्री बनाते हैं। पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है, उससे ईजी हो जाता है। जो भी नंबर आप दे रहे हैं वो आपने चेक करना है कि प्रेफरेंस फर्स्ट इसको देनी है, सेकंड इसको देनी है और थर्ड इस लेवल को देनी है। और ये राइट एसोसिएटिव होता है, अगर एक से ज़्यादा आ जाते हैं एसोसिएटिव की तब ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक ही था तो हमें इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वन नंबर इसी को दे दिया। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे भी होता तो फर्स्ट ये होता और सेकंड ये वाला होता, ठीक है। तो अगर मल्टीपल होते हैं हमारे सेम ही लेवल के ऑपरेटर्स तब हम एसोसिएटिव रूल अप्लाई करते हैं। अब देखिए पोस्ट फिक्स जब है हमारे पास, ठीक है, जब भी हमारे पास पोस्ट फिक्स आता है, नेक्स्ट है देखिए इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। इनफिक्स से अगर आपके पास आ जाता है कि पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करिए तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से आपने क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। जब अगर आपने नंबरिंग कर ली तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, इस वाले सिंबल की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे राइट से चालू करेंगे, ठीक है, राइट से वो लगाएंगे इसकी प्रायोरिटीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वन नंबर इसका आया, फिर देन सेकंड इसको मिल जाएगा। अब स्टार और जितने भी आपके पास ये हैं, ठीक है, इन्हें सर्कल कर लें स्टार और इसको। अब इन तीनों को हमने क्या नंबरिंग देनी है, 3, 4, 5 में से। अब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो 3 आ गया, देन 4 आ गया एंड देन 5 आ गया। अब देखिए प्लस और माइनस है, इन दोनों को नंबरिंग कर दी 6 और 7 एंड देन 8 आ गया हमारा इज इक्वल्स टू के लिए, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इनफिक्स में सबसे पहले आपने नंबरिंग कर लेनी है, उसके बाद चाहे पोस्ट फिक्स में करना हो चाहे प्रीफिक्स में करना हो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये नंबर है तो हमने क्या करना है, सी डी एंड देन दिस, ठीक है। बाद में पोस्ट फिक्स मतलब जो ऑपरेटर है वो बाद में लगेगा। एंड देन उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए इसका है, अब बी सी डी और उसके बाद क्या आ जाएंगे, दो ये वाले साइन आ जाएंगे, ठीक है, दोनों साइन आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर किसका है, इसका है। तो अब ए के साथ, अब यहाँ ए स्टार और ये सब है, ठीक है, ए बी ये वाला सारा, ये क्या एक ऑपरेंड ट्रीट करिए, ये एक ऑपरेंड हो गया और ये एक ऑपरेटर हो गया। तो ये एक ऑपरेंड ले लिया, ये पूरा आपके पास आ गया और साथ में स्टार आ गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास कौन सा आएगा, स्टार ई वाला। अब इसको एक ट्रीट करिए, इसको एक ट्रीट करिए, ये दोनों इकट्ठे आ गए, ठीक है, ये इसके बाद आएगा, ठीक है, ये वाला एक ऑपरेंड, इसको हिलाना नहीं है, ये सब एज इट इज रहेगा। ये आ गया, देन ई आ गया, ठीक है, और ये वाला स्टार कहाँ गया, ये आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, एफ जी, इसको अभी एक ब्रैकेट में रखिए। देन हमारे पास क्या आ रहा है, फिफ्थ पे एफ जी, एफ जी के साथ क्या आया, स्लैश आया फिफ्थ नंबर पे। अब सिक्स्थ नंबर पे आ गए हम, अब देखिए एफ जी भी इसके साथ आ गया, यहाँ तक स्टार तक ये था और एफ जी आ गया इसके साथ और स्लैश आया एंड देन प्लस आ गया। और माइनस है हमारे पास के साथ में, ठीक है। अब देखिए लास्ट ये सेवेंथ बचता है तो प्लस तक आ गया, देन के आया और फिर प्लस आ गया। अब इसके बाद इज इक्वल्स टू एक्स और इज इक्वल्स टू किया और यहाँ पे हम ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा, इसको अगर हमें इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है।
इसी तरह से देखिए इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन होता है, ठीक है, इसी तरह से इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन होगा और वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंबल को द ऑपरेटर को कहाँ लगाएंगे, पहले लगाएंगे, प्री जो भी ऑपरेंड्स हैं उनसे पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस यहाँ पे पहले आ गया, देन इसी तरह से अब इनका अप्लाई करना है बी सी डी और यहाँ पे भी पहले आ गया, अब स्टार कहाँ जाएगा, यहाँ पहले आ गया, एंड देन इसी तरह से ये स्टार कहाँ आएगा और आगे आ गया, इसी तरह से आप सारे को कंप्यूट कर लेंगे और यहाँ आपके पास अब इनफिक्स से किस में कन्वर्ट हो गया, प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इसकी एक दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वी हैव पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। तो देखिए यहाँ पे इजी है डायरेक्ट करना भी, एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं एल्गोरिदम भी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड करना है गिवन स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट सिंबल बाय सिंबल। तो यहाँ से आपने रीड करना शुरू कर देना है सिंबल बाय सिंबल, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए इफ़ द करंट स्कैंड सिंबल इज ऑपरेंड पुश इट इनटू द स्टैक। अगर तो ऑपरेंड होगा तो आपने क्या करना है, स्टैक में डाल देना है, ठीक है। और इस केस में देखिए यहाँ पे 2, 3, 5 आ रहा है तो हम स्टैक में डालते चले जा रहे हैं, और अगर स्कैंड सिंबल ऑपरेटर आता है तो पहले दो जो ऊपर वाले टॉप मोस्ट हैं उन्हें पॉप करिए और उस ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वो ऑपरेटर यूज़ कर दीजिए उन दोनों ऑपरेंड्स के साथ और रिजल्ट को वापस स्टैक में डाल देना, और इस प्रोसेस को आपने वापस तब तक करना है जब तक पूरी स्ट्रिंग स्कैन नहीं हो जाती है, ठीक है, और रिजल्ट आपका आ जाएगा देन स्टैक से, ठीक है। तो देखिए इनफिक्स अगर है तो ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 3 × 5 = 15 आ गया, देन 15 × 6 हमारे पास 90 आ गया, 90 × 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 45 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। लेकिन अगर अब हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो देखिए आपने क्या करना है, 2, 3, 5 आपने ऐड कर दिया स्टैक में, ठीक है, 2, 3, 5 ऐड कर दिया, देन स्टार आ रहा है, अभी स्टार इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो 15 आ गया, 15 ऐड कर दिया यहाँ, नेक्स्ट 6 आया, 6 ऐड कर दिया, नेक्स्ट स्टार आ रहा है तो दोनों के ऊपर 15 × 6 क्या आ गया, 90 आ गया, डाल दिया यहाँ पे स्टैक में, एंड देन 2 आ रहा है तो 2 को यूज़ करेंगे। अब क्या आया हमारे पास, डिवीजन का ऑपरेटर आ गया, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 किया, 45 आ गया। अब कोई ऑपरेंड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा ऐड, यहाँ पुश नहीं करना है। अभी प्लस आ रहा है तो 45 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ गया, 47, और ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, इस तरह से आपने पोस्टफिक्स जब भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे इवैल्यूएट कर लेना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स है तो यहाँ से चालू कर रहे हैं इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डाला स्टैक में, देन 6 डाला, उसके बाद 5 आ गया, देन 3 आ गया, अभी 3 × 5 करेंगे 15 आ गया, देन 15 × 6 करेंगे 90 आ गया, देन 90 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 45 आ गया, 45 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 47 आ गया। रिजल्ट तीनों से सेम आएगा, चाहे आप इनफिक्स से करें, चाहे प्रीफिक्स से करें, और चाहे ही पोस्टफिक्स से करें। देखा, ये सिर्फ वो चेंज हो रहा है कि उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, उससे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें आपने कर लेनी है, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना, और साथ के साथ उन दोनों से प्रीफिक्स से और पोस्टफिक्स से कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो चीज़, ठीक है। रिकर्जन आपके पास क्या होता है, हमारे पास रिकर्जन क्या होता है, जब भी हम एक फंक्शन अपने आप कोई वापस क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, रिकर्जन में स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आती हैं करंट की वो उससे पहले वाली वैल्यूज़ बाद में यूज़ होती चली जाती हैं, ठीक है। करंट वाली वैल्यू पहले यूज़ होगी, देन प्रीवियस, इस तरह से वैल्यूज़ क्या होती रहती हैं, यूज़ होती रहती हैं। तो रिकर्जन भी किसकी एप्लीकेशन है, स्टैक की एप्लीकेशन है। और रिकर्जन होता क्या है, जब भी हम किसी भी फंक्शन को वापस खुद जब भी कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है वो रिकर्जन होता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवैल्यूएटेड यूजिंग स्टैक। तो देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, 823, ठीक है, देन स्टार एंड देन प्लस 51 स्टार एंड माइनस, ठीक है, पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 8 को एंटर किया स्टैक में, देन 2 को किया एंड देन 3 को किया, जैसे ही आया तो पावर कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, पावर का एक्सपोनेंशियल, तो 2^3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ हम एंटर कर देते हैं 8। देन हमारे पास देखिए डिवीजन का ऑपरेटर आ रहा है, डिवीजन ऑपरेटर आया तो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा,
देन टू और थ्री आ रहे हैं, उसके बाद देखिए स्टार आ रहा है, दैट मीन्स टू थ्री को रिमूव करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। देन प्लस आ रहा है, ठीक है, ऐड नहीं करना है स्टैक में। देन इसको रिमूव करके हमारे पास क्या बन जाएगा, सिक्स प्लस सेवन वन, दैट इज सेवन। अब देखिए फाइव और वन आ रहा है, तो फाइव आया आपके पास और वन आया, एंड देन स्टार करना है, दैट मीन्स फाइव इंटू वन इज फाइव, एंड देन माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पूछा क्या है, टॉप टू एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेलुएटेड। ठीक है, तो जब भी हम फर्स्ट स्टार को इवेलुएट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, आगे पूरा ही सॉल्व कर दिया मैंने, भी क्वेश्चन नहीं स्टार्ट रीड किया। ठीक है, तो यहाँ वाले स्टार के बाद टॉप टू एलिमेंट्स कौन से हैं वो आपको आंसर में बताने हैं, और वो कौन से बनेंगे, सिक्स और वन बनेंगे। ठीक है, वो आप चेक कर लेना एक बार। देन हमारे पास आते हैं तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी एक्सक्लेमेशन ई, सॉरी पावर वाला साइन, देन आपके पास आ गया ई एफ। ठीक है, अब देखिए ये वन हो गया, ये टू हो गया, देन ये थ्री हो गया, और ये फोर हो गया, और ये फाइव हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे आप इसे। ठीक है, ई एफ देन एक्सक्लेमेशन, अभी यहाँ पे क्या आएगा, फिर डी के साथ है ये, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे डी को, डी एंड देन एक और एक्सक्लेमेशन आ गया हमारे पास, डी ई एफ एक्सक्लेमेशन ही क्यों बोल रही हूँ मैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए अब इस वाले को इवेलुएट करना है हमने, बी और सी यहाँ पे अभी माइनस एज इट इज रहेगा, बी सी एंड देन मल्टीप्लाई। अब किसको करेंगे, इसको करेंगे, तो देखिए ए आ जाएगा यहाँ और प्लस यहाँ चला जाएगा। अब सी माइनस, अब इधर वाला और इधर वाला, ये वाला होगा, ठीक है, अब ये वाला रहेगा, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, और माइनस कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो और ये आपका बन रहा है ए ऑप्शन में, तो ए आपकी हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके पास आता है स्टैक्स में सारा, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं कोई मर्जी पेपर हो। ठीक है, तो इसको अपने अच्छे से कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर स्टैक्स, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लैटर सीएस, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस क्यूज एंड लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, स्टैक्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्यूज और लिंक्ड लिस्ट। देखिए इन दोनों टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, लेकिन स्टिल कभी कभी एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इन दोनों टॉपिक्स में। तो देखिए क्यू एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो ये क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और किस तरह का होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो इंसर्शन होता है, ठीक है, तो इंसर्शन कौन से एंड से होता है, रियर एंड से होता है। ठीक है, इंसर्शन कहाँ से होगा, रियर एंड से होगा, और डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से होगा। ठीक है, अगर ये फ्रंट एंड है और ये रियर है, तो इंसर्शन कहाँ से होगा, देखिए रियर से होगा, और डिलीशन कहाँ से होता रहेगा, फ्रंट एंड से होता रहेगा। ठीक, तो देखिए क्यूज में बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से रहते हैं, बेसिक ऑपरेशंस में आ जाएगा हमारे पास एन क्यू एंड डी क्यू। ठीक है, कौन कौन से दो ऑपरेशंस रहेंगे, एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू मीन्स ऐड करना किसी भी आइटम को क्यू में, और डी क्यू मीन्स रिमूव करना किसी भी आइटम को कहाँ से, क्यू से। ठीक है, अब देखिए एक दो फंक्शंस और होते हैं जो जर्नली हम यूज करते हैं, कौन कौन से होते हैं, इज फुल एंड इज एम्प्टी। ठीक है, एक तो ये दो फंक्शंस होते हैं जिन्हें जर्नली हम यूज कर रहे होते हैं चेक करने के लिए क्या हमारा क्यू या स्टैक जो है फुल है। ठीक है, तो उसके उसके लिए क्या हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, ओवरफ्लो। अब देखते हैं, एक देखते हैं इज एम्प्टी, तो वहाँ पे क्या देख रहे होते हैं कि क्या हमारा जो क्यू है या स्टैक है वो एम्प्टी है, खाली है क्या। तो अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या चेक करते हैं, इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी चेक करेंगे तो वो क्या हमें दे देगा, अंडरफ्लो, कि यस ये एम्प्टी है। ठीक है, वो चेक करे, इज एम्प्टी में चेक करेगा और अकॉर्डिंगली हमें ट्रू या फॉल्स दे देता है। एक देखिए फंक्शन और यूज होता है क्यूज में, पीक। ठीक है, एक फंक्शन यूज होता है पीक। ठीक है, ये हमें क्या देता है, फ्रंट में जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, जहाँ पे भी फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट में जो भी एलिमेंट होगा, लाइक यहाँ पे फ्रंट है तो यहाँ 10 है अगर, तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, इसको रिमूव नहीं करेगा, जस्ट ये क्या करेगा, फेच करेगा वैल्यू और हमें क्या करेगा, हमें वो वैल्यू दे देगा, रिटर्न कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है, तो ये पीक फंक्शन क्या करता है, जो फ्रंट पे वैल्यू होती है उसे रिटर्न करता है। ठीक है, ये तो थी हमारी बेसिक ऑपरेशंस, और जो थोड़ा बहुत और ऑपरेशंस हम एडिशनल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं वो।
नेक्स्ट अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि तो देखिए वो दो तरह से होती है, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एरे की हेल्प से होता है और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट की हेल्प से होता है। इम्प्लीमेंट हम क्यू को स्टैक की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए दो स्टैक्स यूज़ करेंगे अगर हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी ये जो फ्रंट में है, जब हम यहाँ से डिलीट करें तो इस स्टैक में गया, तो ये अभी कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, लेकिन ए जो है सबसे पहले आउट होना चाहिए। अब रिवर्स ऑर्डर में इसमें डाल देंगे सभी एलिमेंट्स, ठीक है। जो यहाँ पे एलिमेंट ये यहाँ चला गया, तो इस तरह से यूज करेंगे तो दो स्टैक्स हमारे क्या होंगे, यूज होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो देखिए सर्कुलर क्यू में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लास्ट का एलिमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा रियर है, जो लास्ट में एलिमेंट है, उसे वापस किसके साथ, लास्ट जो पोजीशन है, एलिमेंट नहीं सॉरी, लास्ट जो पोजीशन है उसे वापस किसके साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन के साथ, ठीक है। उसके किसके साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं टू मेक इट अ सर्कल, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सर्कुलर क्यू बोला जाता है। इसे हम रिंग बफर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रिंग बफर भी बोला जाता है। सर्कुलर क्यू को क्या बोला जाता है, रिंग बफर भी बोला जाता है। तो देखिए जो नॉर्मल क्यू है, अगर सिर्फ नॉर्मल क्यू की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पे जब हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट से हमारे एलिमेंट्स डिलीट होते चले जाते हैं और रियर पे हम क्या करते जाते हैं, इंसर्ट करते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी क्यू एक बार फुल हो जाती है, ठीक है, जब भी आपकी क्यू एक बार फुल हो जाएगी, ठीक है, चाहे फ्रंट में आपके पास स्पेस हो गया, ठीक है, अभी ये फ्रंट जो था ये बन गया है, ठीक है, और यहाँ पे वैकेंट हो गया, चाहे यहाँ पे स्पेस हो गया, इवन देम हम एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, सर्कुलर क्यू यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर पाते हैं, लास्ट में एलिमेंट्स इंसर्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सर्कुलर क्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेरिएंट्स ऑफ द क्यू। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी क्यू, दैट इज डबल एंडेड क्यू। अब यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन जो है वो किसी भी एंड से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हो आप, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है कि आप इंसर्शन और डिलीशन किसी भी एंड से कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। अब ये डी क्यू तो हो गया, तो यहाँ पे तो ओपनली हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है, दैट मीन्स जो इंसर्शन है वो हम किसी भी एक एंड से कर सकते हैं, ठीक है। डिलीशन आप किस दोनों एंड से कर पाओगे और इंसर्शन या तो इस एंड से कर पाओगे या आप इस एंड से कर पाओगे, ठीक है। इंसर्शन दोनों में से किसी एक एंड से ही होगा और डिलीशन आपका दोनों एंड से हो जाएगा। देन हमारे पास आते हैं देखिए आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या कहता है कि जो आउटपुट है वो आपको एक ही जगह से मिलेगी, ठीक है। आप डिलीशन दैट मीन्स एक ही जगह से कर सकते हो और इंसर्शन जो है वो आप दोनों जगह से कर सकते हो, दोनों, चाहे फ्रंट से करें चाहे एंड से करें रियर से करें, ठीक है, दोनों एंड से कर सकते हैं आप, लेकिन डिलीशन आप सिर्फ एक ही एंड से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रायोरिटी क्यू। तो देखिए प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती है एक न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रायोरिटी। और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम उसी के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसी प्रायोरिटी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, तो जो प्रायोरिटी क्यू होती है उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरेस के थ्रू। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एरेज यूज़ करते हैं, देन लिंक्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, एंड देन बीएसटी यूज़ करते हैं, ठीक है। बीएसटी में भी क्या एक ऑर्डर है स्पेसिफिक, हीप में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, ये चारों डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रायोरिटी क्यू के लिए। जर्नली प्रायोरिटी क्यू को हम हीप डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर अब एप्लीकेशंस की बात करें, तो देखिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू की, तो वो क्या रहती हैं, डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम में ये यूज़ होती है, ठीक है। जो डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम होता है शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए, देन हम इसे यूज़ करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम में, ठीक है, जो एक स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम है, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। इसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं डेटा कॉम्प्रेशन में, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू को हम डेटा कॉम्प्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट एआई में भी यूज़ होता है हमारा प्रायोरिटी एल्गोरिदम, ठीक है। ए स्टार सर्च होता है एक, ठीक है, ए स्टार सर्च होता है इसमें सर्चिंग टेक्निक्स में एआई में, उसमें हमारा प्रायोरिटी क्यू यूज़ होता है।
ठीक है. एंड देन हीप सॉर्ट में भी यूज करते हैं, ठीक है. हीप सॉर्ट में भी हमारा यूज होता है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है. चलिए अब एक बार देख लेते हैं डिफरेंस सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है. सर्कुलर क्यू देखा हमने और प्रायोरिटी क्यू देखा, ठीक है. देखिए सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू, ठीक है. तो देख इनमें से कौन सा एफिशिएंट है या कौन सा ज़्यादा मेमोरी लेता है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार ट्रिकी से आ जाते हैं, ठीक है. तो देखिए सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू की अगर बात करें तो सर्कुलर क्यू क्या है, लीनियर नहीं है, जबकि प्रायोरिटी क्यू क्या है, लीनियर है, ठीक है. सर्कुलर क्यू लीनियर नहीं है, ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक है. तो इसे रिंग बफर भी बोला जाता है जैसे हमने देखा, और ये सिंपल क्यू है, सिंपल क्यू की तरह वर्क करता है. अब देखिए जो सर्कुलर क्यू होता है ये ओवरकम करता है जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं लीनियर क्यू से रिलेटेड, ठीक है. जितनी भी प्रॉब्लम्स लीनियर क्यू से रिलेटेड है, लाइक उसमें हम देखा हमने एंड में अगर स्पेस है भी तब भी हम क्या कर नहीं एंटर कर सकते वेरिएबल्स को, न्यू वेरिएबल न्यू वैल्यूज को एंटर नहीं कर सकते, ठीक है. तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं लीनियर क्यू को वो क्या करेगा, ओवरकम करेगा, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करती रहेंगी प्रायोरिटी क्यू में. यहाँ सिर्फ हम एलिमेंट्स को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, ठीक है. सर्कुलर क्यू देखिए लेस क्या लेगी, मेमोरी लेगी, ठीक है. सर्कुलर क्यू लेस मेमोरी लेती है और प्रायोरिटी क्यू ज़्यादा मेमोरी लेती है. देन अगर सर्कुलर क्यू की बात करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन प्रायोरिटी क्यू, ठीक है. प्रायोरिटी क्यू क्या है, लेस एफिशिएंट देन सर्कुलर क्यू, ठीक है. ये चीज़ें आपने याद रखनी है. देन हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्यू की, ठीक है. तो देखिए क्यू की क्या क्या एप्लीकेशंस रहती हैं, क्यू की एप्लीकेशंस में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा कि जब भी हम कोई भी हमारे पास आती हैं प्रोसेसेस आती हैं जिन्हें हमने एग्जीक्यूट करना है तो हम कहाँ पे डाल रहे हैं उन्हें, जॉब क्यू में डाल रहे हैं, ठीक है. उसके बाद रेडी क्यू में रेडी क्यू यूज़ होता है मेन मेमोरी में, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए क्या यूज़ हो रहा है, क्यू यूज़ हो रहा है. कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ क्यू, ठीक है. तो क्यू हम यूज़ कर रहे हैं जब भी हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रेडी क्यू भी यूज़ होता है और साथ के साथ जॉब क्यू भी यूज़ होता है. देन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है कि जो भी सिचुएशन लाइक अगर कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं नेटवर्किंग में तो अगर वो एसिंक्रोनस है, ये नहीं कि जैसे सेंड किया पहुँचता चला जा रहा है नहीं पहुँच रहा अगर तो एसिंक्रोनस अगर है, ठीक है. तो स्पीड की वजह से और सब चीज़ों की वजह से एसिंक्रोनस है अगर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें क्यू की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम क्या करें, क्यू यूज़ करते हैं, ठीक है. ठीक है चलिए अभी जैसे हमने यहाँ पे देखिए सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू में जो डिफरेंसेस देखे हैं वही सर्कुलर क्यू और सिंपल क्यू में भी बन जाते हैं, ठीक है. सर्कुलर क्यू मोर एफिशिएंट है सिंपल क्यू से भी और इसे लेस मेमोरी चाहिए होती है उस केस में भी, ठीक है. तो यहाँ पे ये सिंपल क्यू की तरह ही वर्क कर रहा है बेसिकली प्रायोरिटी क्यू तो, ठीक है. सिर्फ एक क्या है इसमें प्रायोरिटीज दे दी जाती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट की. तो देखिए लिंक्ड लिस्ट बेसिकली क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है. किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और जिसमें जो भी एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है. एरेज में देख रहे हैं हम, स्टैक में देख रहे हैं, क्यूज में देख रहे हैं, उसमें क्या कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशंस पर क्या है हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिंक्ड लिस्ट में होंगे वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होते हैं. यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से लिंक्ड होते हैं, देखिए यहाँ पे एक ये हो गया हमारा नोड, ये एक नोड हो गया, डिफरेंट नोड्स हम यूज़ करते हैं और यहाँ नोड्स में क्या होता है, एक तो डेटा होता है और साथ में दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे पास रेफरेंस होता है, ठीक है, पॉइंटर, ठीक है. डेटा फील्ड होता है और रेफरेंस फील्ड होता है. अब ये बताएगा, रेफरेंस फील्ड बताएगा कि नेक्स्ट जो सीक्वेंस में है वो डेटा कौन सा है, ठीक है. इन बिटवीन और भी नोड्स हो सकते हैं, ठीक है. तो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होता है जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, नोड्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है. तो देखिए जो भी सिंपल लिंक्ड लिस्ट होती है वो क्या है, सिंगली लिस्ट लिंक्ड लिस्ट है. यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, और नोड में क्या है, डेटा और साथ में एड्रेस है, ठीक है. अब इस तरह से नंबर ऑफ नोड्स क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें एक नोड में क्या है, एक नोड में डेटा है और इसमें क्या है, नेक्स्ट का एड्रेस है कि नेक्स्ट जो भी एलिमेंट है सिक्वेंस में वो कौन सा है, उसका क्या कर देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है. तो देखिए लिंक्ड लिस्ट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं, क्रिएट करना है एम्प्टी लिस्ट, रिवर्स करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी भी मूव तरह से, देन काउंट करना है नंबर ऑफ नोड्स को, सर्च करना है किसी की को, इंसर्ट करना है नई नोड को, चाहे शुरू में बीच में या एंड में कहीं पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं नोड को, डिलीट करनी है नोड बिगिनिंग से एंड से या बीच में से कहीं से भी,
रिवर्स करना है लिंक्ड लिस्ट को, ठीक है, ये सब ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आती है डबली लिंक्ड लिस्ट, इसका क्या यूज़ है। अब देखिए जब भी हमने नोड बनाया तो यहाँ पे हमने क्या लिया, डेटा, और यहाँ हमने क्या लिया, रेफरेंस लिंक। अदरवाइज वो क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, कि इसके बाद कौन सा नोड आएगा, ठीक है, हमेशा इस रेफरेंस में क्या रहता है कि इसके बाद कौन सा नोड आएगा। अब मे बी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करना चाहते हैं, ट्रेवर्स करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, ठीक है, कोई और एलिमेंट हम एक्सेस करना चाहते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबली लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो किसका होगा, प्रीवियस नोड का होगा, ठीक है, यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो कौन से नोड का होगा, प्रीवियस नोड का, और यहाँ जो रेफरेंस होगा वो किस नोड का होगा, नेक्स्ट नोड का होगा, ठीक है। तो अगर हमें ट्रेवर्स करना है दोनों डायरेक्शंस में तो हम क्या यूज़ करेंगे, डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, प्रीवियस नोड पे भी जा सकते हैं और हम नेक्स्ट नोड पे भी जा सकते हैं। अब कॉस्ट देखिए रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस होगी, पॉइंटर ओवरहेड तो रहेगा लेकिन कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस होगी, देखिए अगर हम सेकंड एलिमेंट पे हैं और हमने फर्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो अगर डबली नहीं ही होगी तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ से, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, इस तरह से जा रहे हैं और फिर हमें पता चलेगा कि वो वाला एलिमेंट तो बिल्कुल लास्ट फर्स्ट वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। और अगर सर्कुलर होगा ओनली देन लास्ट वाले एलिमेंट से हम फर्स्ट वाले पे जा सकेंगे, ठीक है। तो अब लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या है, हम सेकेंड वाले एलिमेंट से ही फर्स्ट वाले एलिमेंट पर मूव कर सकते हैं। तो देखिए अगर कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो यहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो हम किस एक लिंक के थ्रू तो मूव कर पाएंगे, ठीक है, तो ये रोबस्ट हो गई, मोर रोबस्ट हो गई, किससे, सिंगली लिंक लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक लिंक, एक हमारा ये कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरा कनेक्शन वर्क कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गई डबली लिंक लिस्ट, और अगर हम सर्कुलर इस तरह से लास्ट वाले में पहले वाले का एड्रेस डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज देखिए क्या रहेगा, पॉइंटर ओवरहेड रहेगा, पॉइंटर ओवरहेड मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंटर्स हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा इस केस में। अब बाकी क्या होते हैं, देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होते हैं, बाकी वेरिएंट्स अगर हम देखें लिंक लिस्ट के तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में देखिए हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, वो नेक्स्ट लास्ट नोड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये लास्ट नोड है और ये फर्स्ट नोड है, तो ये लास्ट नोड में हम किसका एड्रेस डाल देंगे, फर्स्ट नोड का डाल देंगे। अगर सर्कुलर नहीं होता है तो लास्ट नोड में क्या आ जाता है, नल आ जाता है, दैट मीन्स उसके आगे फर्दर कोई और नोड नहीं है। लेकिन अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी तो उस केस में क्या होगा, लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडर लिंक लिस्ट। तो देखिए हेडर वाले केस में क्या करते हैं, हम एक हेडर नोड क्या करते हैं, शुरुआत में, बिगिनिंग में क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन रखता है, देखिए लाइक नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट जो है हमारी वो सॉर्टेड है या नहीं है, इस तरह की इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है। तो देखिए ये हेडर नोड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारे पास कितने नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं, तो ये हमने क्या लिया हुआ है, 3, ठीक है। तो ये क्या कंटेन करके रखेगा कि कितने फर्दर हमारे पास नोड्स हैं, और 1 लाइक सपोज हम बताना चाह रहे हैं कि सॉर्टेड है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 हमने दिया सॉर्टेड के लिए, नॉट सॉर्टेड है तो 0 ले लिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि जो आगे लिस्ट है वो हमारी क्या है, सॉर्टेड है। नेक्स्ट वी हैव हेडर सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो देखिए ये क्या है, सर्कुलर भी है और साथ में हेडर भी होगा, ठीक है। तो देखिए हेडर का मतलब क्या होगा, हेडर नोड होगा, देन हमारे पास सर्कुलर क्या हो गया, सर्कुलर होगा, डबली मतलब दोनों तरफ होगा, ठीक है। अब जो भी टर्म्स ऐड हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, हम उसका मीनिंग निकाल लेंगे, ठीक है, बेसिक मीनिंग हमें क्लियर हो गया। देन देखिए हमारे पास क्या आती है, एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 पॉलीनोमियल्स, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉलीनोमियल्स को, ठीक है, इस किसके थ्रू करते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो जितना भी जो जिस तरह से पावर है और कॉफिशियंट है, पावर कॉफिशियंट इस तरह से हम क्या करते हैं, एक पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन दोनों को ऐड करने के लिए फिर इधर से क्या करेंगे, अगर 3-3 वाले ये मैच हो रहे हैं तो फिर इन्हें ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंगली, हम क्या करेंगे, 2 पॉलीनोमियल्स को ऐड करेंगे।
ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट को हम यूज़ करते हैं सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए, देन मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स को ऐड कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से हो सकता है, लाइक 2x² + 2x⁴, 3x⁴, तो मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है, तो इस तरह से इनके लिए भी क्या यूज़ करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक और क्यूज, तो देखो उसमें भी हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गई हमारी एप्लीकेशंस लिंक लिस्ट की। नेक्स्ट एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं ओवरव्यू डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट। तो देखिए एरे क्या है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, और लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट कैन बी ग्रोन एंड श्रिंक, ठीक है, इसे हम ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनिशियली जितना ले लिया हमारा साइज़ उतना ही रहेगा, एरे में यही रहता है कि उतना ही रहता है साइज़, चाहे हमें एडिशनल की रिक्वायरमेंट पड़े तब भी नहीं हम कर सकते, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाली टेक्निक्स, ठीक है, कैलोक मैलोक वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अलग से, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स है। देन वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज़ पॉसिबल, यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी पॉसिबल है, यहाँ पे एफिशिएंट यूज़ ऑफ एरे का मेमोरी होता है, ठीक है, एफिशिएंट यूज़ होता है एरे की मेमोरी का। देन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एंड सिक्वेंशियल बोथ एक्सेस मैकेनिज्म, ठीक है, डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई भी एरे है तो वहाँ पे हम इंडेक्स की हेल्प से, एक एरे है ए नाम से, तो हम 10th एलिमेंट को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस रहेगा, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, सिक्वेंशियली ही हमें मूव करना पड़ेगा। देन वी हैव एरे क्या है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, बट इट इज़ नॉन कॉन्टिग्यूस, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ है तो एक एलिमेंट यहाँ हो सकता है, नेक्स्ट नोड इन बिटवीन भी बहुत सी नोड्स हैं, तो ठीक है, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर ही होंगे एलिमेंट्स। देन वी हैव नो नीड टू मेंटेन द पॉइंटर, इस केस में हमें पॉइंटर्स को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट इन द केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट वी नीड टू मेंटेन द पॉइंटर्स, सो पॉइंटर ओवरहेड रहता है हमेशा इस केस में, ठीक है, तो पॉइंटर ओवरहेड से रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, पॉइंटर ओवरहेड की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, वो करना पड़ता है हमें, ठीक है। चलिए तो ये थे डिफरेंसेस, तो ये दो टॉपिक्स देखे हमने, क्यू एंड लिंक लिस्ट, ठीक है, क्यूज एंड लिंक लिस्ट दो टॉपिक्स देखे इसमें, ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, एक बार आज हमारा डीएस ख़त्म हो जाए उसके बाद हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एमसीक्यू से और थोड़ा सा डिटेल में पता चल जाती है कई चीज़ें, यहाँ पे हम उतना बारीकी से नहीं देखते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में क्या होता है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लैटर सीएस, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट ट्रीज, ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, देखिए बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप, इन सब के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चंस जर्नली पूछे जाते हैं, ठीक है, ट्री एक जो है अगर कहें तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, एग्जामिनर का, तो यहाँ से तो ज़रूर आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं आपको, दो भी क्वेश्चंस भी आराम से मिल जाते हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ट्री की, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है, आराम आराम से समझेंगे, और इसके आपको खुद के भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है, सिर्फ इन पीडीएफ यूज़ नहीं करेंगे आप, खुद के भी हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आगे चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। अब देखिए सबसे पहले आता है बाइनरी ट्री, तो यहाँ पे रूटेड ट्री होता है, एक बाइनरी ट्री जो है वो क्या होता है, रूटेड ट्री, जिसमें नोड के क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो चिल्ड्रेन, ठीक है, इन विच अ नोड कैन हैव एटमोस्ट टू चिल्ड्रेन, ठीक है। एक ट्री की अगर बात करें तो ट्री में हमारे पास बाइनरी ट्री भी हो सकता है, टर्नरी ट्री भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से बाइनरी ट्री की अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स टू चिल्ड्रेन, टर्नरी ट्री की अगर बात करेंगे दैट मीन्स एक नोड के कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं, थ्री चिल्ड्रेन हो सकते हैं, ठीक है। तो एनरी ट्री अगर हम बोलते हैं तो एनरी ट्री का मतलब ही यही होता है कि एन, जितना भी एनओ की वैल्यू होगी उतने मैक्सिमम चिल्ड्रेन पॉसिबल हैं, ठीक है। तो देखिए ट्री क्या होता है, एक ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है, क्या है, कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, अगर सिंपली ट्री की डेफिनेशन बोले तो क्या होगा, कनेक्टेड होना चाहिए, साथ के साथ क्या होना चाहिए, ए साइक्लिक होना चाहिए, कभी भी साइकिल नहीं बननी चाहिए ट्री में, ठीक है, ए साइक्लिक होगा और क्या होता है, वो ग्राफ होता है, ठीक है। सो एवरी ट्री इज़ अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री, ठीक है। अब देखिए बाइनरी ट्री में अगर देखें तो ये क्या है, रूट है, ये क्या है, इंटरनल नोड्स हैं, और ये क्या है, लीफ है,
ठीक है। और अगर हम ये इसकी बात करें तो ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री है और ये क्या है, राइट सब ट्री है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, लेवल ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा लेवल वन, एंड देन दिस इज लेवल टू। अगर बात करते हैं तो देखिए 2^0 नंबर ऑफ नोड्स की अगर बात करते हैं कि हर लेवल अगर कंप्लीट है तो देखिए लेवल ज़ीरो पे कितने नोड्स होंगे, 2^0 दैट मीन्स 1। लेवल 1 पे 2^1 दैट इज 2। ठीक है, जो भी लेवल का नंबर है उतने नंबर ऑफ नोड्स मिलेंगे आपको हर लेवल पे। तो अगर कोई कहते हैं कि बाइनरी ट्री है कंप्लीट है, ठीक है, आगे वैसे कंप्लीट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि लीफ इस लेवल पे कितने नोड्स होंगे, तो आप बता सकते हैं 2^2 होंगे। लेवल अगर बताते हैं तो कितने क्या होंगे, चिल्ड्रेन होंगे, लीव्स होंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। और देखिए अगर हमारा जो लेवल है वो स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेवल स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर लेवल हम कहते हैं कि जो रूट नोड है उसका 0 की बजाय क्या है 1, और इसी ट्री में हम क्या कहते हैं, ये 1 लेवल है, ये 2 है और ये 3 है, इस तरह से अगर हम कहते हैं तो इंस्टेड ऑफ 2^i, यहाँ पे क्या 2^i, जो भी लेवल नंबर है उतने नोड्स हैं एक पर्टिकुलर लेवल में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2^i-1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2^i-1 हो जाएगा। अगर लेवल 1 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2^1-1 दैट इज 0, तो 2^0 क्या हो जाएगा 1, एंड देन 2^ ये लेवल कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 1, तो 2^2-1 दैट इज 2^1, एंड दैट इज 2 नोड्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर नंबर ऑफ नोड्स आपसे कैलकुलेट करने को बोले जाते हैं तो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेप्थ और हाइट। तो देखिए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक है, रूट से लेकर लीफ तक जो भी हमारा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, तो ये अगर हमारा मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा, हाइट या डेप्थ हो जाएगी किसी भी ट्री का। तो देखिए मैक्सिमम लेवल क्या रहेगा ट्री का, जो भी डेप्थ है ट्री की वही क्या रहेगा, मैक्सिमम लेवल रहेगा। ठीक है, या हम कहें लेवल जो है वो डेप्थ रहेगा, डेप्थ जो है वो लेवल रहेगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स देखिए कितनी होंगी किसी भी लेवल पे अगर पूछी जाती है, 2^i होंगी। ठीक है, इस केस में ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इस तरह से, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपने लिखते चली जानी है, जिस जिसकी भी पढ़ेंगे हम, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है, सबकी आपने ये अलग से नोट्स में लिखते चले जाने हैं। अब देखिए व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच, ये पूछा गया। अब मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है, एच प्लस वन होती है। ठीक है, कितनी होगी, एच प्लस वन होगी अगर हाइट एच है। ठीक है, तो अगर हाइट एच है किसी भी ट्री की तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स उस पूरे ट्री में कितनी होंगी, एच प्लस वन होगी। ठीक है, अगर हाइट देखिए 1, 2, 3, अगर हाइट इतना ही हो सकता है, तो देखिए अगर हाइट 3 है तो क्या आ रही है नोड्स, 4 आ रही हैं, 3+1 कितना आ रहा है, 4 आ रही हैं। ठीक है, अगर हम ले इस तरह से तो देखिए इसमें भी कितनी आ रही हैं, हमारे हाइट कितनी है, ये 1, 2, 2 है। ठीक है, और नोड्स कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिनिमम मिनिमम इतना ही हो सकता है, अदरवाइज अगर हम कोई और एक और हटा देंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा ग्राफ। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं, वो होगी आपकी 2^h+1-1। ठीक है, 2^h+1-1 ये क्या होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, यहाँ टोटल नोड्स की बात करें हम, किसी एक पर्टिकुलर लेवल की नहीं कर रहे हैं। तो देखिए एक फर्स्ट लेवल पे 2^0 होगी, देन 2^1, 2^2, इस तरह से लास्ट लेवल तक कितनी बन जाएगी, h ले लें चाहे n ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2^h+1-1, 2^2-1। ठीक है, ये GP का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, क्योंकि GP बन रही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा GP बनी तो उसका फॉर्मूला लगा दिया। तो ये आपने याद रखनी है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स बाइनरी ट्री में पूछी जाती हैं, हाइट दे रखी आपको, कई बार यहाँ पे ये तो जर्नल हो गया। ठीक है, कई बार क्या करते हैं वो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाइट अगर ट्री की 5 है तो आप मिनिमम और मैक्सिमम बताइए। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शंस में आपको दे देंगे 5 एंड देन इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी आ सकता है, इसको चेंज कर देंगे और जर्नल फॉर्म में भी आ सकता है। What is the minimum and maximum height of a binary tree with n nodes? अब यहाँ पे क्या पूछा, minimum and maximum height कितनी हो सकती है binary tree की अगर n nodes हैं। ठीक है, तो maximum height क्या होगी, n-1 होगी, जैसे हमने इसमें देखा उसी तरह से इसमें हो जाएगा। अगर 4 nodes हैं तो कितनी height थी, 3 थी। अब n nodes दी हुई है तो maximum height कितनी possible है, n-1 possible है।
ठीक है, अगर नोड्स 4 दी हुई हैं तो हाइट मैक्सिमम इतनी हो सकती है, और अदरवाइज हमारा इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर चाइल्ड होंगे तो दूसरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अगर n नोड्स है मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, n माइनस वन, और मिनिमम हाइट क्या रहेगी, देखिए इसके लिए हम क्या पुट कर देंगे, 2^h + 1 - 1 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कंप्यूट करके आ जाएगा, log की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी मिनिमम हाइट। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। एवरी लेवल इज फुल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, लास्ट नोड इज लेफ्ट एट मोस्ट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे पूरा ट्री हमारा कंप्लीट होगा लास्ट नोड को छोड़कर, ठीक है, इस वाले नोड को छोड़कर बाकी सब क्या होगा, फुल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास दो चिल्ड्रेन होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे दो चिल्ड्रेन है, यहाँ पे आपका एक चिल्ड्रेन है, ठीक है। इस वाले लेवल से पहले अगर यहाँ एक है तो यहाँ पे हमारा कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम इस वाले नोड को देखा तो इसके दो हो गए, अब ये इसकी नोड की बारी आई तो इसका एक है, ठीक है। तो लास्ट से शुरू करेंगे, लास्ट के लेवल्स का हो सकता है कि ना हो, कोई ये नहीं हो सकता कि बीच में इस वाले लेवल का कंप्लीट नहीं है और इस वाले का है, ठीक है। तो लास्ट वाले नोड का बच सकता है, तो देखिए ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये सब क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्रीज हैं, ठीक है। तो जिसमें हर लेवल फुल है एक्सेप्ट द लास्ट लेवल नोड्स, ठीक है। तो जब लास्ट लेवल पे नोड्स हैं उन वो फुल नहीं होंगे तो चलेगा, उससे पहले के लेवल्स पे जितने भी नोड्स हैं उन वो फुल लेवल्स हैं वो फुल होने चाहिए। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कंप्लीट बाइनरी ट्री में विद हाइट एच कितने होने चाहिए, 2^h, ठीक है। जो भी हाइट दी हुई है मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, 2^h। इस केस में हमारे क्या थे, h प्लस वन थे, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में क्या हो गया, 2^h हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या होंगे, फुल होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, 2^h + 1 - 1, ठीक है। वो भी बाइनरी ट्री था, ये भी बाइनरी ट्री है, अगर उसी लेवल पे हम देखें तो बाइनरी ट्री में भी उतने ही होंगे और कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है, और साथ में देखिए मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट भी आप कर सकते हैं याद, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपने ज़रूर याद कर लेनी है, यहाँ से जर्नली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें हर नोड के एग्जैक्टली 0 या 2 चिल्ड्रेन होते हैं, ठीक है, या तो 0 होंगे या 2 होंगे। अब देखिए ये क्या है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है और ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके 1 चाइल्ड है और इसका भी 1 चाइल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से तो पॉसिबल है कि 0 हो या 2 हो, ठीक है। ये वाला कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। ये वाला CBT नहीं है, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि लास्ट लेवल पे हमने बोला कि नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, लेकिन SBT है, दैट मीन्स स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या कहते हैं कि किसी भी नोड के या तो 2 चिल्ड्रेन होने चाहिए या 0 होना चाहिए। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स SBT में कितने होंगे, अगर हम हाइट एच लेते हैं 2h + 1, ठीक है, कितने रहेंगे, 2h + 1 रहेंगे। और अगर हमने हाइट 3 ली है तो देखिए यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो 7 क्या आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन SBT। और अगर मैक्सिमम कहते हैं तो वही रहेगा सेम, 2^h + 1 - 1, ठीक है। ये वाला ऑलमोस्ट आपका सिमिलर ही रहता है, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे, मिनिमम वाला भी याद कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, इन अ SBT दैट इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, इफ नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इज इक्वल्स टू n, देन द नंबर ऑफ लीफ नोड्स इज इक्वल्स टू। अब देखिए वहाँ पे हम बना बना के तो नहीं देखेंगे, अब आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर SBT है और नंबर ऑफ लीफ नोड्स n है, अगर लीफ नोड्स n है तो इंटरनल नोड्स कितनी होंगी, n-1, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनल नोड्स आपको दी हुई है n-1, दैट मीन्स इसमें क्या किया हुआ है, -1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, 1 ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब लीफ नोड्स अगर n है तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, n+1 हो जाएंगी, ठीक है। अगर लीफ नोड्स n है तो इंटरनल नोड्स कितनी है, n-1। अब हमें इंटरनल नोड्स अगर गिवेन है, ठीक है, इंटरनल नोड्स कितनी गिवेन है, n गिवेन है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, लीफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, n+1 हो जाएंगी, ठीक है। ये याद रखना है। एंड देन वी हैव कि अगर SBT है हमारे पास और लीफ नोड नंबर ऑफ लीफ नोड्स n है, ठीक है, नंबर ऑफ लीफ नोड्स अगर n है तो इंटरनल नोड्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी अगर लीफ नोड्स n है नेक्स्ट है,
ठीक है, अब लीफ नोड्स एन है और टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपसे पूछी जाती हैं तो वो क्या होंगी, 2n-1। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास लीफ नोड्स कितनी है, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, 4 है और टोटल नोड्स देखिए कितनी है, 7। सो दैट इज 2 into 4 - 1, दैट इज 8 - 1 = 7। एंड इसी तरह से देखिए नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स अगर दिए हुए हैं, अब इंटरनल नोड्स बोला है, ठीक है, इंटरनल नोड्स देखते हैं, तो इंटरनल नोड्स देखिए इसमें 3 है, 1, 2 और 3। अब इसके बेसिस पे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी होंगी तो क्या आ जाएगा, 2n+1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स अगर गिवन है आपको तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स के आसे आएंगी 2n+1, और नंबर ऑफ लीफ नोड्स अगर गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे आएंगी, 2n-1। नंबर ऑफ लीफ नोड्स गिवन है एन तो आपके पास इंटरनल नोड्स कितनी आ जाएंगी, n-1। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एनरी स्ट्रिक्ट ट्री। तो देखिए इसमें क्या होता है, अ रूटेड ट्री इन विच एवरी नोड हैज एग्जैक्टली 0 और n चिल्ड्रेन। ठीक है, जैसे हम बाइनरी ट्री कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि 2 चिल्ड्रेन होने चाहिए या 0 होने चाहिए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, इसी तरह से एनरी स्ट्रिक्ट ट्री होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि 0 या जितना भी n का वैल्यू है, लाइक टर्नरी है तो इसका मतलब 0 चाइल्ड हो सकता है या 3 चिल्ड्रेन हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमें निकालनी है टर्नरी बाइनरी ट्री में, टर्नरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n into i+1। ठीक है, जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है, जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करें, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, टर्नरी दिया हुआ है तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। इस केस में हमने क्या लिया था, 2 लिया था। ठीक है, तो वो वैरी करेगा, अगर 2 ले रहे हैं तो वो किस लिए लिया था, बाइनरी के लिए लिया था। अब अगर टर्नरी होगा तो हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा, 3n+1। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हैं तो क्या हो जाएगा, 3n+1, सो दैट इज 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, लीफ नोड्स के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल इज फुल। ठीक है, वो ट्री क्या होगा, फुल बाइनरी ट्री या परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, जिसमें हर लेवल क्या है, फुल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री है। अब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इसमें क्या होंगे, 2^(h+1-1) अगर हाइट ही है तो मिनिमम और मैक्सिमम देखिए सेम ही रहने वाला है क्योंकि फुल है, तो इतना ही मिनिमम पे होगा, इतना ही मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, तो देखिए ऑल परफेक्ट बाइनरी ट्री इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। जितने भी परफेक्ट बाइनरी ट्री होंगे ऑब्वियसली वो क्या होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि सबके चाइल्ड क्या हैं, 2 हैं। लेकिन जितने भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैं वो ज़रूरी नहीं है परफेक्ट बाइनरी ट्री हों। परफेक्ट बाइनरी ट्री बेस्ट ट्री होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ मिनिमम हाइट यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, बेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, मिनिमम हाइट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके थ्रू। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम कम हाइट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ज़्यादा हाइट्स में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइट में, डेप्थ में हम क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है स्क्यूड ट्री। तो देखिए ये क्या है, लेफ्ट स्क्यूड ट्री, राइट स्क्यूड ट्री, ये क्या होते हैं, वर्स्ट बाइनरी ट्रीज होते हैं। ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम हाइट का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या रहते हैं, वर्स्ट बाइनरी ट्रीज रहते हैं। तो ये राइट स्क्यूड है, देखिए ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये ज़िगज़ैग है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से, और ये लेफ्ट राइट, LLR। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्क्यूड ट्रीज। ठीक है, हाइट ऑफ स्क्यूड ट्रीज इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ n। एक होते हैं एक्सप्रेशन ट्रीज। ठीक है, इसमें ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लीफ नोड पे ऑपरेंड्स रहते हैं और इंटरनल नोड्स पे ऑपरेटर्स रहते हैं। ठीक है, ये हमने उसमें भी देखा था, कंपाइलर्स में, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होते हैं, एक्सप्रेशन ट्रीज होते हैं, जहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, जो भी ऑपरेटर्स हैं वो इंटरनल नोड्स पे और जो भी ऑपरेंड्स हैं वो लीफ नोड्स पे। तो देखिए फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या रहते हैं बाइनरी ट्री में, सर्च करना की को, इंसर्ट करना न्यू नोड को, डिलीट करना या ट्रेवर्सल, मिनिमम नोड का फाइंड आउट करना, मैक्सिमम नोड देखना। ठीक है, इस तरह से हमारे फंक्शंस रहते हैं।
तो देखिए ट्रेवर्सल जो होता है बाइनरी ट्री में वो तीन तरह से होता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, हम रूट को विजिट करते हैं, देन लेफ्ट सब ट्री, एंड देन ट्रेवर्स करते हैं राइट सब ट्री को, ठीक है। और इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, एंड देन राइट सब ट्री, ठीक है। लेफ्ट, रूट एंड राइट, इस केस में क्या होता है, लेफ्ट कौन सा है, प्री ऑर्डर, देन रूट, लेफ्ट एंड राइट। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, लेफ्ट, राइट एंड रूट, ठीक है। पोस्ट में रूट सबसे बाद में जाएगा, रूट को देखना आपने, इन कहाँ, इन में रूट बीच में रहेगा और प्री में रूट सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर हमें ट्रेवर्स करना है, लाइक ये ट्री है हमारे पास, ठीक है। अभी प्री ऑर्डर करना है, प्री ऑर्डर मीन्स रूट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, रूट, लेफ्ट एंड राइट। अब इस केस में रूट क्या है, ए, तो ए को लिख लेंगे सबसे पहले, एंड देन क्या करना है, लेफ्ट। अब ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री, इसमें भी सबसे पहले किसे लिखेंगे, रूट को, फिर लेफ्ट वाले को, डी को, एंड देन राइट को, ठीक है। इसी तरह से अब राइट सब ट्री में आ जाएं तो क्या आ जाएगा, सी, एंड देन लेफ्ट, और फिर उसके बाद राइट, जी, ठीक है। इसी तरह से प्री ऑर्डर हो गया, इसी तरह से हम पोस्ट ऑर्डर करते हैं और इन ऑर्डर करते हैं, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। तो देखिए अब लेफ्ट, रूट एंड राइट करेंगे इन ऑर्डर में, तो लेफ्ट में गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए बी पर। अब इससे भी लेफ्ट में गए तो डी पर आ गए, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी आ जाएगा, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, और फिर उसके बाद राइट सब ट्री, ई। अब हम क्या लिखेंगे, दोबारा ए, रूट पे पहुँच गए, अब वापस इस ट्री में आ गए, ठीक है। इसके लेफ्ट में जाएंगे सबसे पहले, तो एफ आ जाएगा, फिर सी आएगा, एंड देन जी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इन ऑर्डर बन जाएगा। पोस्ट ऑर्डर लिखेंगे तो लेफ्ट, राइट एंड रूट कर लेंगे, डी कर देंगे, फिर ई कर देंगे, फिर बी आ जाएगा, एंड देन हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट, राइट, रूट, तो फिर क्या आएगा, बी, एंड देन जी, एंड देन सी, एंड आफ्टर दैट ए, ठीक है। ये बन जाएगा इसका पोस्ट ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज बताने हैं आपको, अगर थ्री नोड्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कितने पॉसिबल है अगर थ्री नोड्स हैं, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, 2n Cn/n+1, ठीक है। क्या रहेगा, 2n Cn/n+1, तो देखिए थ्री नोड्स थे तो 2n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6c3/4, ठीक है। 6c3 को क्या लिखेंगे आप, 6 factorial divided by 3 factorial upon 3 factorial upon में क्या आ गया, 4। अब 6 factorial क्या होता है, 720 होता है, 3 factorial क्या हो जाएगा, 6 और 6, ठीक है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बना, 120, एंड इसे सॉल्व किया तो क्या बना, 20 के नीचे क्या डिनोमिनेटर में 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया, करेक्ट आंसर आपका 5 आ गया, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये उसी फॉर्मूला का कर रखा है। देन इसी तरह से देखिए इन ऑर्डर हमने देख ही लिया था पहले क्या बन रहा है, इन ऑर्डर क्या आएगा, डी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर एफ, ई आ जाएगा, फिर ए आएगा, देन एफ, जी, एफ, सी एंड जी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इन ऑर्डर का ट्रेवर्सल रहेगा। पोस्ट ऑर्डर का इसी तरह से हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, देन लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट, रूट, एंड देन रूट। नेक्स्ट एक होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। इसमें हम क्या करें, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या रहेगा, पहले ए को ट्रेवर्स किया, फिर बी, ई आएगा, देन सी, डी, एफ आएगा, एंड देन आई, जी आएगा, एंड देन एच आएगा, ठीक है। अगर लेवल ऑर्डर आपसे पूछा जाता है तो लेवल ऑर्डर में इस तरह से करते हैं, हम लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है लेवल ऑर्डर भी, ठीक है। तो लेवल ऑर्डर में इस तरह से करेंगे, तो देखिए लेवल ऑर्डर, इन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनरी सर्च ट्री, तो देखिए इसमें क्या आता है, बाइनरी ट्री और साथ में सर्च प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करना अगर हमें होता है कुछ भी, तो कोई भी एलिमेंट, तो ईजी हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, जो भी एलिमेंट होगा रूट नोड पे, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में सभी एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे और राइट सब ट्री में सभी एलिमेंट्स उससे बड़े होते हैं, ठीक है। अब फर्दर इसी तरह से अभी ये रूट बन जाता है, तो इस वाले या अगर सब ट्री में देखें तो ये क्या होगा, एलिमेंट रूट वाले एलिमेंट से छोटा होगा और राइट में जो भी एलिमेंट है वो रूट वाले एलिमेंट से बड़ा होगा। देखिए कई बार हमें क्या दिया होता है, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ होता है, स्पेसिफाई किया होता है, और हमें पोस्ट ऑर्डर बताना होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ है, हमें ट्री पर पूछ लेंगे किस कौन सा बनेगा इनमें से, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए देखिए हमें करना क्या है, इन ऑर्डर जो दिया हुआ है
और प्री ऑर्डर दिया होगा साथ में, ठीक है। प्री ऑर्डर में देखिए ए जो है वो क्या है, रूट है। सबसे आगे जो दिया होगा वो क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। दैट मीन्स इस वाले में इन ऑर्डर में भी हम देखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई बी एफ और डी जी सी, ई बी एफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा, ठीक है। अब ई बी एफ क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री, और राइट सब ट्री क्या हो जाएगा, डी जी सी हो जाएगा, ठीक है। हमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं देखिए ई बी एफ ए डी जी सी, ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, ए बी ई एफ सी डी जी, ठीक है। प्री ऑर्डर में अगर प्री ऑर्डर है दैट मीन्स फर्स्ट वाला क्या है, रूट है। इन ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ये वाला क्या होगा, रूट होगा इसका मतलब, और ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आता है, लेफ्ट, एंड देन रूट, और फिर क्या आता है, राइट सब ट्री, ठीक है। तो ये लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है इट मीन्स, और ये राइट सब ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, ए बना लिया, और ये लिख लिया कि ये लेफ्ट सब ट्री में आने वाले हैं तीन एलिमेंट्स, और ये राइट सब ट्री में आने वाले हैं। अब वापस देखिए इसमें क्या है हमारे पास, ई बी एफ, ठीक है, क्या है, ई बी एफ, और इसी का सीक्वेंस लिख लो बी ई एफ, ठीक है। इसी का ही जो इस वाले में प्री ऑर्डर में सीक्वेंस है वो क्या है, बी ई एफ। अब इसका मतलब बी क्या है, रूट है यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, बी को रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। बी को किस में लिखा, रूट में, एंड देन ई और एफ, ई क्या है उसका लेफ्ट सब ट्री, और राइट क्या है उसका, एफ क्या है, राइट सब ट्री, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए इस वाले पार्ट में चलते हैं, डी जी सी और सी डी जी, दैट मीन्स सी क्या है, रूट में है, और उसके बाद दोनों ही एलिमेंट्स किस में जा रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री में जा रहे हैं, राइट में कुछ नहीं आएगा सी के, ठीक है। अब वापिस हमने देखा तो डी जी, अब इसमें से देखा तो देखिए प्री में क्या आ रहा है, डी, दैट मीन्स डी जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद देखिए डी के राइट में आ रहा है जी, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा जी, ठीक है। इस तरह से हम बनाते हैं, अगर कोई भी हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दी है, ट्री बनाना है या पोस्ट ऑर्डर बनाना है, ठीक है, तो ट्री फटाफट से बना के आप पोस्ट ऑर्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबरिंग के थ्रू भी जा सकते हैं, और अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या है, बेसिकली बाइनरी सर्च, सर्च मीन सर्च प्रॉपर्टी के साथ है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें सर्च करना है सपोज, ठीक है, 66 सर्च करना है, ठीक है, क्या करना है, 66 सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे, 60 से कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स 60 से कंपेयर करें तो इस वाले ट्री में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इधर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन 60 होंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे ग्रेटर देन 60 वाले में सब ट्री में। अब 70 है सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, राइट में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इधर सर्च किया, चेक किया, और एक बार इधर गए तो हमें एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो देखिए इसमें अब हम पूछते हैं, इफ द फॉलोइंग बी टी इज बी सी बी एस टी, ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इज बी एस टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो देखिए क्या करेक्ट होगा, ए लेस देन बी, ए जो है वो बी से लेस होगा, नहीं होगा, ए लेस देन बी होगा, नहीं होगा, डी क्या होगा, लेस देन बी होगा, करेक्ट है, बी क्या होगा, लेस देन ई होगा, करेक्ट है, ई जो है वो लेस देन ए होगा, करेक्ट है, ए जो है वो लेस देन सी होगा, करेक्ट, एंड सी के फर्दर राइट में है एफ, तो दैट मीन्स सी भी क्या होगा, स्मॉल होगा एफ से, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो ये आप देख लेंगे एक बार, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द बी एस टी कंटेन्स द कीज, ये सब एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बी एस टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रूट, सबसे पहले इन्होंने आगे क्या दिया, फोर ही दिया हुआ है, ठीक है, तो हम फोर को क्या मान लेंगे, रूट मान लेंगे, तो अगर फोर को रूट मानते हैं तो देखिए लेफ्ट जो सब ट्री है उसमें क्या बनना बनेगा, अगर हम देखते हैं तो थ्री यहाँ पे आएगा, एंड देन वन और टू इस तरह से बन जाएगा, और इधर देखें तो सिक्स और फाइव सेवन, ठीक है, ये परफेक्ट हमारा क्या बन रहा है, बाइनरी सर्च ट्री बन रहा है। तो देखिए इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फोर टू नहीं बनेगा, ठीक है, फोर के बाद क्या बनता है, थ्री एंड देन वन एंड टू, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फोर के बाद इधर इस तरफ क्या आ जाएगा, अगर राइट साइड जाते हैं तो सिक्स फाइव सेवन, ठीक है, तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिफरेंसेस क्या बनेंगे बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में, बाइनरी ट्री क्या होता है, अनऑर्डर्ड ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री होता है। सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी ट्री इज हार्ड, बाइनरी ट्री में एलिमेंट को सर्च करना मुश्किल होता है और बाइनरी सर्च ट्री में ईजी होता है, बाइनरी ट्री स्लो होता है और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं हीप,
तो देखिए हीप में से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यूजीसी वाले क्वेश्चंस ही रिपीट होते रहते हैं कई एग्जाम्स में। तो देखिए हीप एज अ डेटा स्ट्रक्चर विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट शेप प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी। इट इज़ कम्प्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। और ऑर्डर की अगर बात करें तो देखिए क्या होगा, द की एट अ नोड इज लार्जर देन इट्स चिल्ड्रेन, ठीक है। दो तरह की होती है, एक मैक्स हीप होती है और एक मिन हीप होती है। सिंपली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप क्या होता है, ठीक है। कहीं पीजीटीज में तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अब देखिए मैक्स हीप क्या है, द की एट अ नोड इज लार्जर देन इट्स चिल्ड्रेन की एंड इट इज वैलिड फॉर एवरी नोड, ठीक है। जो की नोड है, ठीक है, जो की नोड है, द की एट अ नोड इज लार्जर देन इट्स चिल्ड्रेन, ठीक है। तो जो यहाँ पे नंबर होगा ये क्या होगा, हमेशा अपने चाइल्ड से क्या होगा, बड़ा होगा। और मीन हीप में क्या होता है, जो भी की यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, वो अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। क्या है, हीप बेसिकली एक ढेरी की तरह हो गया और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर और बाकी क्या होंगे, बड़े नंबर्स होंगे। और मैक्स हीप में ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा और बाकी सारे नंबर्स छोटे होंगे, ठीक है। ये आगे फर्दर सब ट्रीज पे भी लागू होगा, अगर ये 50 है तो यहाँ पे सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 50 से कम होंगे, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री हमने देखा था, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा कि जहाँ पे आपका लास्ट लेवल्स, जो लास्ट लेवल्स हैं वहाँ वो फुल नहीं होंगे तो चलेगा, बाकी लेफ्ट में जितने भी लेवल्स हैं वो क्या होने चाहिए, फुल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका, ये क्या है, मैक्स हीप है 40, 30, यस, जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए ये किस, इन दोनों से बड़ा है, ये इन दोनों से बड़ा है, फर्दर ये क्या है, इन दोनों से बड़ा है, तो ठीक है, ये क्या है, मैक्स हीप है, ठीक है। ये वाला हमारा ट्री क्या है, सीबीटी है, ये क्या है, सीबीटी है, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो सीबीटी नहीं है, ठीक है। और ये भी राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट में नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, सीबीटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो सीक्वेंस है, अगर इसको देखें हम, इसे हम यहाँ से ऐसे नोट डाउन करेंगे, तो अब ये सीक्वेंस देखें तो देखिए ये क्या है, मैक्स हीप है। अब यहाँ से जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मैक्स हीप, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा कि कौन सा इनमें से मैक्स हीप को फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए क्या, ये अलग है, ठीक है, डायग्राम। तो यहाँ पे देखो 7, 5, 4, ठीक है, 7, 5, 4 एंड देन हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 5, 4 एंड देन 3, 2 और फिर क्या आ गया, 1। तो अब देखिए यस, ये मैक्स हीप बन रहा है। देन इसके लिए चेक करेंगे 40, 20, 30 एंड देन 10, 11, 1, ठीक है। तो ये भी मैक्स हीप बन रहा है। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट का चेक करें तो देखिए नेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, एलिमेंट्स है 40 देन 50, ये यहीं पे ही हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया, ठीक है। मैक्स हीप पूछा है, ठीक है, मिन हीप पूछा तो हम आगे फर्दर ट्राई चेक भी कर लेते। अभी यहाँ पे भी ये मैक्स हीप नहीं बन रहा है क्योंकि रूट नोड ही 1 आ रही है, उसके बाकी के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्स हीप कौन कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाले दोनों यही सेम ही है ऑप्शंस, यस। अब यहाँ पे 10 लगाया हमने, देन 7, 3, 5, 1 एंड 2, ठीक है। तो ये भी क्या बन रहा है, हमारा मैक्स हीप बन रहा है। देखिए बाइनरी मैक्स हीप क्या होगा, एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ यूनिक नंबर फॉर्म्स अ मैक्स हीप बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। तो जितने भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है लाइक 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये तो हमेशा क्या होगा, मैक्स हीप होगा ही होगा, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है ना तो वो हमेशा क्या रहेगा, आपका मैक्स हीप रहेगा ही रहेगा। और इसी तरह से देखिए 50, 20, 40, 10, 5, 1, इसको हम चेक करके देख लेंगे, अगर बनता होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखिए इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, मीन हीप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से सीक्वेंस में दिया हुआ है तो वो तो हमेशा क्या होगा, मीन हीप होगा ही होगा, ठीक है। तो टर्नरी मैक्स हीप क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 क्या हो जाएंगे, अगर टर्नरी मैक्स हीप बोला जाता है तो क्या हो जाएंगे, 3 चिल्ड्रेन हो जाएंगे हर नोड के, ठीक। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को।
Thanks for watching and stay connected.